चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर है आपके पास जो अभी 3 जनवरी को हुआ था, है ना, पहला पेपर है आपका ये। और इसमें अगर हम थ्री मार्कर की बात करते हैं, आप कितनी कॉपी देख ली सबने, क्या दिखा आपको, क्या गलतियां हैं आपकी कॉपी में? थोड़ी बस ज्यादा कुछ नहीं है, कोई पॉइंट बनाने के लिए आप देखेंगे। तो अगर थ्री मार्कर पूछा जाता है, मतलब वो उम्मीद करता है, हमने ऐसा पैटर्न बना दिया है कि हमें 3 शब्द या 3 फैक्ट बताने हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास चीजें हैं तो आप 4 या 5 भी बता सकते हो, लेकिन बताते हो अगर पैटर्न में, तो आपकी जो शब्द सीमा है ना वो काफी बढ़ जाती है। जैसे आप लिखते हो, है ना, आप कोशिश करते हो कि मुझे 4 से ज्यादा देना है, तो हालांकि हमें 3 नंबर का क्वेश्चन है, पाना हमें 3 नंबर ही है, चाहते हैं कि हमें 3 में 3 ही मिले, तो वो कैसे संभव हो पाएगा? ऐसे में तो आपकी शब्द सीमा भी बढ़ रही है, और आप ये मान के चल रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है मेंस में। अगर 3 मार्कर का एक क्वेश्चन है तो 1 मिनट में वो पूरा हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो पाता है तो इसका मतलब ये आप दूसरे प्रश्नों के उत्तर का जो समय है वो आप ले जाओ, तो अंत में आप जाओगे तो आपके क्वेश्चन छूटेंगे ही छूटेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर को देखने पर, जब आप प्रश्नों को देखते हो, देखने के बाद थोड़ा सा अपने दिमाग में 2 सेकंड या 3 सेकंड का समय लो और निर्धारित करो कि मुझे इस उत्तर में किन किन बिंदुओं को रखना है, महत्व देना है। ठीक है, अब जैसे पहला क्वेश्चन है आपका कि संस्कार, संस्कार, अब संस्कार को क्या लिखोगे, 3 बिंदुओं में लिख सकते हो या इसको एक पैरा में भी लिख सकते हो कि संस्कार सबसे पहले बताओगे कि ये है क्या। ठीक है, इसके बाद वर्णन करोगे कि इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है। तो जब आप वैदिक काल पढ़ते हो, वैदिक काल में जब आप ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल पढ़ते हो, तो वहां पर इनका उल्लेख मिलता है ना हमें सर्वप्रथम, संस्कारों का हो चाहे आश्रम व्यवस्था हो, इन सब का उल्लेख हमें वहीं पर मिलता है। तो सबसे पहले आप बताओगे कि संस्कार एक्चुअली में है क्या, इसका मीनिंग क्या है ना। हमने देखा देखा कि जो संस्कार होते हैं उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है शुद्धिकरण। 16 संस्कार आप जानते हो सब। अच्छा, इसका जो मीनिंग होता है, वैसे बोलचाल की भाषा में मैं अगर बात करूं, तो संस्कार करने के उपरांत आप किसी भी या उस पर्टिकुलर कार्य को करने के योग्य हो जाते हैं। जैसे नामकरण हो गया, गर्भाधान हो गया, ये सब संस्कार ही है। तो पहले आप पूजा पाठ करते हो और पूजा पाठ करने के बाद उस कार्य को करते हो आप, जिस कार्य को करने के लिए आपने उस संस्कार को किया है ना। जैसे नामकरण करने के पहले हम पहले पूजा पाठ करवाते हैं, इसके बाद बच्चे का नाम रखा जाता है। ठीक है ना, तो इसका अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ बस आप लिख सकते हो कि इसका अर्थ है शुद्धिकरण करना। ठीक है, जो मानव को श्रेष्ठ व सुसंस्कृत बनाने के लिए किया जाता है। अब बताओ कि ये है कहाँ पर, इनका उल्लेख कहाँ मिलता है। तो आप बताओगे कि वैदिक साहित्यों में हमें इनका उल्लेख मिलता है, इनकी संख्या 16 है। अगर वैदिक साहित्यों में भी और कुछ बताना है तो बृहस्पति का नाम ले लो, क्योंकि हमें वेदों में इनका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। स्पष्ट उल्लेख 16 संस्कारों का हमें ग्रह सूत्र में सर्वप्रथम पहली बार मिलता है। ठीक है, तो 2-4 जो आपके संस्कार हैं उनके नाम लिख दो, बस आपका उत्तर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद माइकल एंजेलो क्या है, माइकल एंजेलो है कौन, तो बताओगे यार, चित्रकार तो है, चित्रकार भी है, स्थापत्यकार भी है, मूर्तिकार भी है, नहीं वैज्ञानिक नहीं है, दार्शनिक भी नहीं है। इसने कोई रचना की क्या, साहित्य लिखे क्या, नहीं लिखे। यह ना तो कवि है ना दार्शनिक है ना। यह है क्या, ये चित्रकार है और ये मूर्तिकार है, स्थापत्यकार भी नाम आप दे सकते हो। तो यह है किस पीरियड का, ये पुनर्जागरण कालीन लिख सकते हो, पुनर्जागरण कालीन इटली निवासी माइकल एंजेलो, जो एक चित्रकार और मूर्तिकार है। अब उसने कौन कौन सी चित्र बनाए हैं और क्या क्या किया है वो आपको बता देना है इसमें, बस हो गया। इसके बाद आपका टेक्स्ट एक्ट क्या है। ठीक है, अब इसके बारे में अधिकतर हम सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं कि यह है क्या, जिसमें एक ऐसा एक्ट था जिसमें कि एंग्लिकन समुदाय के लोगों को ही सरकारी नौकरी पर रखने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, लेकिन आप इतना लिखते हो तो आपको मे भी 3 नंबर नहीं मिलेंगे, आपको बताना पड़ेगा कि ये जो अधिनियम था, जो टेस्ट एक्ट है, ये किसके शासनकाल में लाया गया है ना। तो जब आप ट्यूडर वंश पढ़ते हो ब्रिटेन की क्रांति में, आप स्टुअर्ट वंश पढ़ते हो तो वहां पे जेम्स प्रथम आता है, फिर चार्ल्स प्रथम आता है, फिर चार्ल्स द्वितीय आता है और फिर जेम्स द्वितीय आता है। ठीक है, तो जेम्स द्वितीय के काल में तो ब्रिटेन की क्रांति हुई, लेकिन उससे पहले जो शासक था चार्ल्स द्वितीय, उसके शासन काल में 1673 में यह अधिनियम लाया गया।
ठीक है, ये आप बता सकते हो। तो ये लाया कौन था? राजा ने नहीं लाया था, ये लाया था किसने? शासनकाल में, ठीक है। तो इसके शासनकाल में जेम्स चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल में 1673 में संसद के द्वारा लाया गया अधिनियम था। अब इस अधिनियम में क्या प्रावधान है ये आपको बता देना, ठीक है। इसके बाद सीता अध्यक्ष, तो सीता अध्यक्ष को हम सिंपल भाषा में जानते हैं कि यह जो है मौर्य काल से संबंधित एक प्रशासनिक अधिकारी था और ये सरकारी भूमि का विभाग का अध्यक्ष था, ठीक है, हम सिर्फ इतना ही जानते हैं। इसके बारे में और अगर आपको लिखना होगा तो क्या लिख सकते हो? आपको पता है कि जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है उसमें उसने 26 प्रकार के अध्यक्षों की चर्चा की थी, तो लिख सकते हो यहाँ पर, है ना, ये भी कि कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र में इन अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। इसका प्रमुख काम भी क्या था कि जो सरकारी राजस्व को एकत्र करके राजकोष में जमा करता था, ठीक है। तो कोई भी जैसे ये है संस्कार माइकल एंजेलो टेक्स्ट एक्ट, सबसे पहले आपको समझना है कि ये किस घटना या किस काल से संबंधित है, उनका मीनिंग क्या है और वो उनके संबंध में कौन कौन से फैक्ट हैं, ये चीजें आपको अपने दिमाग में तुरंत रख लेनी है। फिर है आपका चमुंडरो, तो चमुंडरो क्या है? आपको पता है कि ये एक हड़प्पा कालीन पुरा स्थल। अब हमें इसमें लिखना क्या है कि यह सर्वप्रथम कहाँ खोजा गया है, कहाँ पर इसकी अवस्थिति कहाँ पर है? तो आप बताओगे कि यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंध नदी के किनारे है, ठीक है। अगर नहीं याद आ रहा है कि किसने खोजा कब खोजा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है कि 1931 में ननी गोपाल मजूमदार ने इसको खोजा, ठीक है। ये कहाँ पर है ये हमने बता दिया और इससे हमें कौन कौन से पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, ये हमें जो शब्दों का जो चयन है ना वो आपको बड़ी सावधानी से करना है। कई सारे लोग लिखते हैं कि यहाँ से हमें ये चीजें प्राप्त हुई, चीजें नहीं प्राप्त हुई हैं, ये वो पुरातात्विक क्या है, साक्ष्य है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना चीजें लिखनी है, ठीक है। फिर क्या क्या चीजें वहां से प्राप्त होती है, ठीक है, जैसे गुड़िया बनाने का या मनका बनाने का कारखाना भी हमें मिलता है वहां पर, ठीक है। कई सारे ईंटों पर हमें बिल्ली और कुत्ते के पंजों के निशान भी मिलते हैं वहां पर, लिपस्टिक भी है, लिपस्टिक भी, हाँ, रेजिडेंस इलाका, दवात भी यहीं से मिलता है, इंक पॉट। अब अश्वघोष, अश्वघोष था कौन? प्राचीनकालीन साहित्यकार नहीं, अभी इसमें तो देखोगे आप ये कनिष्क का दरबारी विद्वान, तो लिख सकते हो कनिष्क, कनिष्क को भी थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हो, कनिष्क था कुषाण शासक, तो लिख सकते हो कि कुषाण शासक कनिष्क का दरबारी विद्वान, ठीक है। अश्वघोष, अब इसकी इसने जो रचनाएं की है उन रचनाओं को आप लिख दो, ठीक है ना। अब एक रचना से काम नहीं चलेगा कि बस बुद्ध चरित्र लिख दो और काम खत्म हो जाएगा, है ना। जो उनकी रचनाएं हैं तीन ही तो पढ़ते हैं हम, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण, इनके बारे में लिख दो। और ये भी पता है आपको कि अश्वघोष को भारत का मिल्टन भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो बता सकते हो ना कि भारत का मिल्टन व कुषाण शासक कनिष्क का दरबारी विद्वान, जिनकी प्रमुख रचनाएं ये हैं, ठीक है। इसके बाद टेलीस्कोप की शपथ, अब ये सबसे पहले बताना है, ये तो हमें पता है कि ये जो है तो फ्रांस की क्रांति से संबंधित है, तो ये भी तो जानो कि टेनिस कोर्ट है कहाँ पर, था कहाँ पर, मतलब संसद के बगल में था, संसद के बगल में, अरे जहाँ बैठक होती थी, सब बैठक कहाँ होती थी, मतलब राजा के, हाँ बैठक होती थी, एक तो फ्रांस हो गया, फ्रांस के अंदर पेरिस हो गया और पेरिस के अंदर ही वर्साया का शीश महल था, उसी शीश महल के बाजू से जो था आपका ये टेनिस कोर्ट था, ठीक है। जब 33 गण के लोग जो है राजभवन में जा रहे थे और उन्होंने देखा कि गेट में ताला बंद है, तो उन्होंने क्या किया, टेनिस कोर्ट में जाकर के और एक शपथ ले ली। तो इसका कब ली ये आपको डेट याद रखना है, ठीक है, कि 20 जून 1789 में पेरिस के वर्साय के शीश महल के में स्थित टेनिस कोर्ट नामक स्थान पर ली गई शपथ 33 गण के द्वारा ही टेनिस कोर्ट की शपथ कहलाती है, ठीक है। अब ज्यादा लिखना है तो उन्होंने क्या कहा था वो भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन बस इतने में सभी सेंट है आपके 30 शब्द कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद न्यूली की संधि, न्यूली की संधि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ और उस समाप्त होने के बाद आपको पता है कि शांति सम्मेलन बुलाया गया था, है ना। उस शांति सम्मेलन में ही विजित राष्ट्रों ने जो पराजित राष्ट्र थे उनके साथ विभिन्न संधियां की थी, उन संधियों में एक संधि की याद की है न्यूली की संधि, ठीक है। तो इसका डेट याद कर लो कि कब हुआ ये हुआ था आपका 18 जनवरी 1919, मतलब ये हुई न्यूली की संधि, नहीं ये टोटल
टाइम टेबल तो अलग है ना, जो न्यूली की संधि वो है लगभग 21 नवंबर 21 नवंबर 1919 में की गई थी बुल्गारिया के साथ, ठीक है। तो बस इतना ही आपको लिखना है। अच्छा, चीजों को आंकड़े तो होते हैं हमारे पास बहुत सारे, लेकिन किसको पहले लिखना है, किसको बाद में लिखना है, किसको अंत में लिखना है, ये भी बहुत जरूरी है ना। ये भी आपको अपनी लेखन शैली में बनाना पड़ेगा कि किस बिंदु को मैं पहले स्थान दूं, ठीक है। अब बात करते हैं फायान। तो फायान के बारे में सबसे पहले जो बात होगी वो क्या होगा, चीनी यात्री था सबसे पहली बात होगी कि यह एक चीनी यात्री था। अब बताना है आपको कि किसके दरबार में भारत आया, तो आप बताओ कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। अब इसने भारत से प्राप्त अनुभवों के आधार पर एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम, उसको थोड़ा सा सुधार लेना है ना, क्योंकि दोनों नाम हमें ऐसे मिलते हैं, फायान का भी और हेनशान का भी, एक का नाम फूकोकी है और एक का नाम है सीयू की, है ना। तो दोनों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तुमने दोनों नाम का मिक्सर लिखा है उसमें, हाँ है ना, सीयू की और फूकोकी का तुमने मिक्स कर दिया, ठीक है। तो चीनी यात्री जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भारत आया और भारत से प्राप्त अनुभवों के आधार पर एक ग्रंथ फूकोकी की रचना की, ठीक है, बस सफिशिएंट है। फिर शक संवत है, शक संवत के बारे में आपको बता है। अब यहाँ पर थोड़ा ईसवी और ईसा पूर्व में अंतर हो जाता है ना, हमें हमेशा कंफ्यूज होता है कि हम विक्रम संवत आपका 57 ईसा पूर्व है, वो बीसी है, और ये जो 78 है ये ईसवी में है। 78 में शक संवत आया और विक्रम संवत आया आपका 57 में। अगर कभी कंफ्यूजन होता है तो थोड़ा सा भारत की प्रियम्बल प्रस्तावना को याद करो जहां पर लिखा है 2006 विक्रमी, है ना। जबकि हमारा संविधान कब बना, 49 में ना, और हम बात कर रहे हैं 2006 की, मतलब कि 57 साल आगे की। तो विक्रम संवत हमेशा कब होगा, 57 ईसा पूर्व है, चूंकि इसलिए हमने 1949 में क्या किया, 57 ईयर को प्लस कर दिया तो वो 2006 हो गया, है ना। अगर मैं बात करूं कि 50 ईसा पूर्व का मतलब आज से कितने वर्ष पूर्व, तो 2021 में आप 50 को जोड़ोगे ना, तब तो बता दोगे कि आज से इतने वर्ष पूर्व, है ना, यही है ना। तो इसी प्रकार से आप विक्रम संवत और शक संवत में ईसवी और ईसा पूर्व में अंतर कर सकते हो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो शक संवत आया कब, ठीक है, 78 ईसवी में, किसकी किसने लाया इसको, है ना, हाँ बिल्कुल। तो बता सकते हो कि कुषाण वंशी शासक कनिष्क ने शकों को पराजित करने के उपरांत 78 ईस्वी में शक संवत चलाया, ठीक है। फिर और ज्यादा कुछ लिखना है तो बता सकते हो कि बिल्कुल ये राष्ट्रीय संवत के रूप में भारत सरकार ने इसे 22 मार्च और 1957 को अपनाया, इसे अडॉप्ट किया। इसके बाद सारनाथ, सारनाथ जैसे ही नाम सुनते हैं हम पहुंच जाते हैं कि महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया, ये किया वो किया। अभी सबसे पहले तो बताओ ना कि सारनाथ है कहाँ, अगर सांची पूछा जाता तो सबसे पहले बताते हो ना कि यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, तो सारनाथ को भी बताओ कि ये है क्या। तो बताओगे कि यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित एक स्थान है, या आगे भी बता सकते हो उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट एक स्थान, एक बौद्ध तीर्थ स्थान है। फिर आगे बताओ आपकी यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया अपना, ठीक है, अशोक ने यहाँ पर सारनाथ स्तंभ का जो है तो स्तूप या स्तंभ का भी का निर्माण करवाया था, बस हो गया। जीरोधिष्ट दत्त, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अब आप यहाँ पर जब आप पढ़ते हो फ्रांस की क्रांति और पढ़ते हो रूस की क्रांति, तो दोनों क्रांतियों में आपको दो दो दल मिलेंगे, ठीक है। फ्रांस की क्रांति में आपको मिलता है जियोधिष्ट दल और मिलेगा आपको जैकोबियन, है ना। तो ये किससे संबंधित है, फ्रांस की क्रांति से, डेमोक्रेटिक पार्टी, है ना। और सिंपल सा है थ्री मार्कर, अगर जैकोबियन आता है तो जैकोबियन के बारे में बोलोगे कि जैकोब नामक चर्च के नाम पर इनका नाम पड़ा था, जैकोबियन दल, ठीक है। और दूसरी बात है कि इनकी जो पकड़ थी वो पेरिस की राजनीति में अधिक थी, फ्रांस तो बहुत बड़ा है ना, फ्रांस की राजधानी है आपकी पेरिस, तो पेरिस का जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे वो थे जैकोबियन, जबकि पेरिस के बाहर की राजनीति में किनका प्रभाव था, जेरोधिस्ट का, ठीक है। फिर इनके बाद इनके प्रमुख नेता को लिख दो कि कौन कौन थे, ठीक है, कि टॉमस पेन है, स्नार है, ये इनके जेरोधिस्ट दल के ये प्रमुख नेता है, ठीक है। ये राजनीतिक के नहीं थे ये, लेकिन अब आना चाह रहे थे राजनीति में, ठीक है, जैसे कि अन्ना हजारे हो गए और केजरीवाल हो गए, कुछ ऐसे ही।
इसके बाद मेगा स्पीच की बात करें तो मेगा स्पीच था कौन? हाँ, तो सबसे पहली बात तो यही लिखोगे ना कि यूनानी शासक या यूनानी सेनापति सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। अब ये किसके दरबार में भारत आया ये बता दो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया। अगर समय सीमा याद है कि कब आया तो ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है कि 15 वर्ष भारत में रहा था, 399 ईस्वी में आया और 415 ईस्वी में 414 में ये चला गया। ठीक है, तो ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या बताओगे कि यूनानी सम्राट या यूनानी सेनापति सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक भी बता सकते हो आप कि इंडिका है, ये तो बताना ही है ना, जिसमें इसकी सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद आपका जूनागढ़ अभिलेख। अब जूनागढ़ अभिलेख और गिरनार अभिलेख, ये दो अभिलेख आपने सुने होंगे एक साथ ही कि जूनागढ़ अभिलेख को ही गिरनार अभिलेख कहा जाता है, ऐसा क्यों है? जबकि जूनागढ़ अभिलेख के संबंध में हमें यह है कि ये जो अभिलेख था ये संस्कृत भाषा में लिखा जाने वाला पहला अभिलेख है और इसको लिखवाया किसने था? शक शासक रुद्रदामन ने। तो रुद्रदामन का अभिलेख है ये जूनागढ़ अभिलेख, और इसी के समकक्ष हमें और नाम मिलता है गिरनार अभिलेख। जब आप गुप्त शासकों के बारे में पढ़ोगे कुमार गुप्त के बारे में तो उन्होंने लिखवाया था कौन सा? गिरनार अभिलेख। अभिलेख तो एक ही है, अभिलेख एक ही है, जूनागढ़ भी वही है और गिरनार भी वही है, ठीक है। लेकिन जब ये रुद्रदामन आए तो उन्होंने कुछ उत्कीर्ण करवाया, और जब कुमार गुप्त आए तो उन्होंने उसी अभिलेख में कुछ और उत्कीर्ण करवाया, तो वो दो अलग अलग नामों से जाना गया, ठीक है। अब इसके बारे में बात जब करोगे कि जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पर है, तो ये थोड़ा सा बताओगे कि वर्तमान में कहाँ पर है? ये गुजरात राज्य में, ठीक है। शक शासक रुद्रदामन से संबंधित है, और इसमें जानकारी क्या किस बात की मिलती है आपको जूनागढ़ अभिलेख से? जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है हमें, सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख हमें इसी अभिलेख में मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इसकी जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से ही प्राप्त होती है, ठीक है। अब है कलिंग युद्ध आपका, तो कलिंग युद्ध के बारे में ये तो बहुत आसान सा है, लेकिन अगर जानकारी जब नहीं रहती ना तो हमें चीजों को ज्यादा नहीं लिखना रहता है ना। जैसे किसी ने लिखा था कि जो कलिंग युद्ध है वो चेरी वंशी शासक खारवेल के साथ लड़ा गया था अशोक ने, तो ऐसा कहीं पर भी ऐसा नहीं मिलता है। मिलता भी है तो कलिंग युद्ध के बारे में हमें जानकारी कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख से जरूर मिलती है, जिसमें वो बताते हैं कि इस युद्ध में अशोक ने किसके विरुद्ध युद्ध लड़ा था? नंदराज, वहां का शासक जो था वो नंदराज था, ठीक है। लेकिन इतिहासकारों में फिर भी मतभेद है कि वो ऐसा मानते हैं या नहीं मानते हैं, ठीक है। लेकिन जब कलिंग युद्ध के बारे में 3 मार्कर पूछा, अगर 6 मार्कर पूछता तब हम इन चीजों का उल्लेख वहां पर कर सकते हैं, लेकिन 3 मार्कर में हमारे पास इतनी ना तो शब्द सीमा है ना ही टाइम है लिखने का, ठीक है। तो बता सकते हो आप कि अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, या बता सकते हो कि 261 BC में, ठीक है ना। और बीसी को वहां पर आपको बीसी नहीं लिखना है, हम हिंदी मीडियम से दे रहे हैं ना, तो आपको वहां पर ईसा पूर्व ही लिखना है, ठीक है ना। हम गलती करते हैं कि हम बीसी लिख देते हैं, ईडी लिख देते हैं, ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। 261 ईसा पूर्व में कलिंग द्वारा अशोक के द्वारा लड़ा गया युद्ध था, और इस युद्ध के रक्तपात को देख करके अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और उसने युद्ध नीति को छोड़ करके धम्म नीति को अपना लिया, बस खत्म। और ज्यादा लिखना है तो ये भी पता होगा आपको कि कलिंग युद्ध की जानकारी हमें अशोक के 13वें अभिलेख से प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये थे आपके 3 मार्कर क्वेश्चन। तो आपको समझना सबसे पहले यही है कि हमें क्रम से चीजों को कैसे रखना है ना। और इसके बाद अब 6 नंबर जो है आपके, पहला है आपकी इंग्लैंड की क्रांति को रक्तहीन क्रांति क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहला काम उत्तर में आपका क्या होगा? मतलब इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शांति समझौते के द्वारा खत्म हुई थी। बस, तो पहले तो परिवहन जो पूछा है आपसे प्रॉपर वे में कि इंग्लैंड की क्रांति को रक्तहीन क्रांति क्यों कहा जाता है, तो आपको सिर्फ वही बताना है ना कि क्यों कहा जाता है ना, क्योंकि यहाँ पर रक्त की एक बूंद नहीं बही, बिना युद्ध हुए शांति और सम्मेलनों के साथ ही जो क्रांति है वो सफल रही और जैन दुनिया के निरंकुश शासन तंत्र का की समाप्ति हो गई या समाप्त हो गया।
अब सिर्फ इतना ही है मैटर आपके पास, अब आगे क्या लिखोगे? वही संसद को अधिकार प्राप्त हो गया, राजा के वो अधिकार कैंसिल कर दिए, विदेशी निर्णय संसद के द्वारा होने लगे थे, और जो कैथोलिक धर्म था उसको मतलब खत्म कर दिया, केवल एंग्लिक धर्म वाले ही अब मतलब राजा बन सकते थे। हाँ तो ये तो फिर आपने परिणाम टाइम से बता दिया यहाँ पर, है ना, क्रांति के परिणाम क्या क्या हुए। तो ठीक है, अब हमारे पास शब्द तो है नहीं ना, हम तो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि रक्तहीन क्रांति क्यों कही गई और वो हमारा 5 लाइन में खत्म हो गया, और शब्द सीमा 30, 35, 40 ही हमने लिखा है। अब इससे आगे क्या लिखे? इससे आगे लिखने के लिए ये जिन्होंने ये बताया जो कि आप थोड़ा सा ट्यूडर वंश और स्टुअर्ट वंश के शासकों का उल्लेख करके उनके शासन काल का उल्लेख कर दें, है ना, कि जैसे जेम्स प्रथम का जो शासन काल था वो राजनीतिक गतिरोध का काल था, जब संसद और राजा के मध्य जो है विवाद होना प्रारंभ हुआ। ठीक है, इससे पहले नहीं हो रहा, जब आपके स्टुअर्ट वंश के शासक सॉरी ट्यूडर वंश के थे तो वहां पर संसद का गतिरोध कभी भी राजा के साथ नहीं रहा, और जब ये स्टुअर्ट वंश में जेम्स प्रथम आया तभी गतिरोध जो है वो स्टार्ट हो गया, और फिर धीरे 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 यही गतिरोध बढ़ते चले गए, और जब अंत में जेम्स द्वितीय को जेम्स पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो वहां की जनता ने क्या किया, विद्रोह कर दिया, और एक पत्र लिखते हैं विलियम मैरी को, और वो आते हैं और टोरवे बंदरगाह को उतरते हैं अपनी सेना के साथ, और राजा जो है जेम्स द्वितीय अपना मुकुट टेम्स नदी में फेंक करके और चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार इस क्रांति बिना खून बहे बहे सफल हुई। ठीक है, तो शब्द जब नहीं मिलते हैं तो आपको थोड़ा सा उसकी घटनाओं के बारे में सोचो, उन परिदृश्यों के बारे में विचार करो जो उस समय घटित हुई, कहीं ना कहीं आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। फिर दूसरा है आपका बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं वर्णन करना है आपको, और हमने क्या किया, हमने पृष्ठभूमि बना दी कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे और इन्होंने अनेक शिक्षाएं व सिद्धांतों का प्रवर्तन माना जाता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, वर्णन करना है। वर्णन का मतलब है कि अगर आप लिख रहे हो त्रिरत्न या लिख रहे हो चार आर्य सत्य या अष्टांगिक मार्ग, तो आपको उनका उल्लेख भी करना है, उनका वर्णन भी करना है कि ये अष्टांगिक मार्ग क्यों दिया इन्होंने या चार आर्य सत्य क्यों दिया। हम सिर्फ लिख तो जरूर देते हैं कि चार आर्य सत्य 1, 2, 3, 4, अष्टांगिक मार्ग हम 8वां लिख देते हैं, है ना, हमारे पास इतना समय है क्या कि मतलब सोचो आपकी अष्टांगिक मार्ग को 8 मार्ग लिखने में हमारा 1 मिनट का समय चला जाता है, और हम आंसर को इतने में भी हमारा आंसर 10% पूरा होता है। तो हमें पूरा डिटेलिंग से नहीं करनी है, अब आपको यहाँ पर सिद्धांत तो बहुत सारे हैं हमारे पास, लेकिन प्रमुख सिद्धांतों को ही आपको स्थान देना है वहां पर। अष्टांगिक मार्ग को आप अंत में जरूर लिख सकते हैं कि उपरोक्त सिद्धांतों के अलावा भी ये अन्य है। ठीक है, तो वहां पर जो उनके प्रमुख शिक्षाएं सिद्धांत हैं उनका उल्लेख करोगे आप, जैसे कि आपका है प्रतित्व समुत्पाद है, ये सिद्धांत है उनका, कार्यकारण सिद्धांत है, ठीक है, मध्यम मार्गी सिद्धांत है, और अनिश्वरवादी सिद्धांत है, ये है सिद्धांत उनके। ठीक है, ये त्रिरत्न अष्टांगिक मार्ग चार आर्य सत्यों को स्थान आप उतना नहीं दोगे, लिखना जरूर है अपने आंसर में लेकिन उनका वर्णन नहीं करना इन सिद्धांतों का। चूंकि वर्णन करना है और वर्णन आप उन्हीं का करोगे जो वाकई में उन्होंने सिद्धांत दिए। ठीक है, ऐसा कहीं पर नहीं लिखा कि अहिंसावादी सिद्धांत कभी पढ़ाया आपने, नहीं पढ़ा, लेकिन इनके सिद्धांतों का सार हमें समझ में आता है कि हाँ इन्होंने अहिंसा पर बल दिया लेकिन सिद्धांत नहीं दिया। इसके बाद है मंदिर निर्माण की कला शैली। मंदिर निर्माण की मुख्य रूप से आपको 2 ही शैलियां मिलती हैं, लेकिन कालांतर में चलकर एक नवीन शैली ने जन्म लिया जिसको हम बेसर शैली के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना क्या है, जैसे कि सबसे पहले आपने थोड़ा सा इंट्रो बता दिया है ना कि मंदिर निर्माण की कला शैलियां जो है प्राचीन भारत में अनेक अनेक कालों में विकसित हुई और उनका वर्णन इस प्रकार है। अब आपने सबसे पहले एक आरेख बना दिया और इसी आरेख में 3 शैलियों के बारे में लिख दिया, जैसे पहली है आपकी नागर शैली, दूसरी है बेसर शैली और तीसरी है आपकी द्रविड़ शैली। ठीक, अब सबसे पहले इनको तो बताओ कि ये कब विकसित हुई। जैसे पहला ये आरेख बनाने के बाद पहला आपने हेडिंग डाला या यहीं पर सारा चीजें यहीं पर आप बना सकते हो। अब नागर शैली कब किसके काल में विकसित हुई,
गुप्त काल में हम सबसे पहले देखते हैं ना मंदिर निर्माण की शैलियों में नागर शैली, तो गुप्त काल में विकसित हुई। अब गुप्त काल का टाइम पीरियड भी आपको पता है कि कब, तो मोटा मोटी लिख सकते हो तीसरी और चौथी शताब्दी के आसपास, है ना। तो गुप्त काल में तीसरी चौथी शताब्दी के आसपास इस शैली का विकास होता है। अब ये शैली आपको मिलती कहाँ पर, उसका क्षेत्र विस्तार क्या है, तो आपने बताया कि हिमालय से लेकर विंध्य तक के प्रदेशों में इस शैली के मंदिर हमें देखने मिलते हैं। यहाँ पर विशेषताएं नहीं बतानी, क्योंकि आपके आपसे विशेषता नहीं पूछा है। अगर आप विशेषता एक का बताओगे तो फिर तीनों का बताना पड़ेगा, और तीनों को बताओगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही बताओ आप कि ये किस काल में विकसित हुई, दूसरा बता सकते हो ये किस प्रदेश में इसका विस्तार है, और तीसरा बता सकते हो इसके प्रमुख एग्जाम्पल उदाहरण कि कौन कौन से मंदिर इसके उदाहरण मिलते हैं, है ना। तो जो भी आपके गुजरात में है, जो भी उड़ीसा में है, जो भी मध्य प्रदेश में है, वो सारे मंदिर जो है वो नागर शैली के हैं। अब बात करते हैं बेसर शैली। चूंकि मैंने बताया कि नागर शैली और द्रविड़ शैली के बाद में ये तीसरी शैली विकसित हुई, तो अभी हम बात करते हैं द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली का जो विकास हुआ वो मोस्टली हुआ था आपके पल्लवों के काल, लेकिन इसका जो विकसित स्वरूप हमें दिखलाई पड़ता है वो हुआ चोलों के काल, ठीक है। तो पल्लव और चोलों के काल में तो आप बात कर सकते हो कि सातवीं व आठवीं शताब्दी में, ठीक है, पल्लव और चोलों के काल में ये विकसित हुई। इसका क्षेत्र कहां पर है, तो क्षेत्र जो है ये है आपकी हिमालय से लेकर विंध्य तक, और विंध्य से जो है कृष्णा तक है बेसर शैली, और कृष्णा नदी के दक्षिण में जो है आपकी द्रविड़ शैली का विस्तार पाया जाता है। अब इसके प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, इसके एग्जाम्पल वो आप बता दो। इसके बाद आता है बात बेसर शैली का। तो बेसर शैली का जो विकास हुआ था वो पर्वतीय चालुक्यों के शासन काल में हुआ, और ये जो टाइम पीरियड है लगभग 10वीं शताब्दी के बाद का है, ठीक है। तो बता सकते हो कि 10वीं शताब्दी के बाद पर्वतीय चालुक्यों के शासन काल में बेसर शैली का विकास होता है, और बेसर शैली के जो प्रमुख मंदिर है, जो एग्जाम्पल है वो बता दो। इसके जो क्षेत्र विस्तार है जहां पर बेसर शैली के मंदिर पाए जाते हैं उन प्रदेशों का वर्णन कर दो, कि विंध्य से लेकर कृष्णा नदी के मध्य प्रदेश हो। हाँ, हिमालय से लेकर के विंध्य तक है आपका नागर शैली, फिर विंध्य से लेकर कृष्णा तक है बेसर शैली का, और कृष्णा नदी के दक्षिण में है आपका द्रविड़ शैली का, ठीक है। इनके मंदिर जरूर आपको बता दें, एग्जाम्पल कंदरिया महादेव जो है आपका, जगन्नाथ मंदिर है, कोणार्क सूर्य मंदिर है उड़ीसा का, ये सारे के सारे नागर शैली है, ठीक है। इसके बाद एक विद्वान के रूप में हर्ष पर टिप्पणी लिखी है। अब हमें सिर्फ इतना पता है कि हर्ष ने तीन पुस्तकों की रचना की, और उसी में आप उसको विद्वान साबित करना है आपको कि हाँ विद्वान था, तो कर पाओगे क्या? थोड़ा सा पृष्ठभूमि बताओ हर्ष के बारे में। अब हमारे पास शब्द सीमा नहीं है, तो हम ना इंट्रो में ही थोड़ा सा वर्धन वंश के बारे में बात कर सकते हैं, है ना। कि अब आप बात करोगे कि गुप्तोत्तर काल में, गुप्त काल खत्म होता है गुप्तोत्तर काल चालू होता है, तो गुप्तोत्तर काल में उत्तर भारत में वर्धन वंश का एक प्रतापी शासक हर्ष रहा, ठीक है ना। अब आगे भी बात करना है तो बात कर सकते हो, जिसने कि उत्तर भारत की में एक राजनीतिक एकता स्थापित की। और एक विद्वान के रूप में हर्ष पर अगर टिप्पणी लिखने को आता है तो बता सकते हो। अब सिर्फ इतना ही यहाँ पर नहीं बताना है कि साहित्य की हर्ष ने कौन कौन सी रचनाओं को लिखा, ठीक है, हम तीन रचनाओं को पढ़ते हैं। थोड़ा सा बता दो कि हर्ष ने शिक्षा के क्षेत्र में, हर्ष ने साहित्य के क्षेत्र में, और हर्ष ने साहित्यकारों के संरक्षण की दिशा में भी बहुत सारे प्रयास किए हैं ना। उसने स्कूल है, विद्यालय है, मठ है, जो भी है इनकी स्थापना भी करवाई। इसके बाद स्वयं वो विद्वान था और विद्वानों का संरक्षण भी था। उसके दरबार में कौन कौन से विद्वान थे उनके नाम, उनकी साहित्य की रचनाओं का नाम, और अंत में थोड़ा सा आपको फिर हर्ष की रचनाएं जो उन्होंने स्वयं लिखी उनके बारे में बात कर देना है। कौन कौन सी रचनाएं थी हर्ष? प्रियदर्शिका, ठीक है। अगर इनके बारे में ज्यादा कुछ पता है तो आप लिख सकते हो, ठीक है, कि जो प्रियदर्शिका जो नागानंद है ये चार खंडों में बटी होती है, ठीक है, इसके जबकि जो प्रियदर्शिका है वो पांच खंडों में विभाजित है, ठीक है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब विशेषता बतानी है आपको, तो थोड़ा सा हमने सिंधु घाटी का
पृष्ठभूमि बता दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता थी क्या, ठीक है, यह भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं में से या विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सभ्यता मानी जाती है और इसकी विशेषताओं को हम निम्नलिखित बिंदुओं के अनुसार देख सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी विशेषताएं थी, आप इनको बिंदुओं में गिना सकते हो, इनका डिटेलिंग नहीं करना है आपको, है ना, कि नगरी सभ्यता थी, करना भी है तो दो लाइन में बता सकते हो, नगरी सभ्यता क्यों, क्योंकि यहां से हमें हाँ भवन निर्माण, हमें सड़क निर्माण, हमें नालियों की व्यवस्था, हमें रोशनी या प्रकाश की उत्तम व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, बस इतना ही है ना, ज्यादा नहीं बढ़ाना कि आप तीन चार पांच लाइन में पहुंच जाओ, क्योंकि अगर एक का करोगे तो याद रखना कि सबके करने पड़ेंगे, नहीं तो उसे पता होगा कि आपको बनता नहीं है, या तो करो ही नहीं, प्रस्तावना थोड़ा सा तीन चार लाइन बता दो, जो भी पांच छह सात पॉइंट्स हैं, एक दो तीन चार पांच चार छह सात आठ करके लिख दो और उसके बाद दो लाइन का निष्कर्ष बता दो और खत्म, ठीक है। तो विशेषताओं के बारे में तो बता ही सकते हो कि यह एक नगरी सभ्यता थी, दूसरा धातुओं का पहचान की योग्यता थी, मतलब ठीक है कि यह एक मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, ठीक है, और मात्र सत्तात्मक क्यों, क्योंकि हमें यहाँ से काफी सारी महिलाओं की हमें मूर्तियां प्राप्त होती हैं, ठीक है, और कृषि योग्यता मतलब कृषि करती थी, तो कह सकते हो कि यहाँ पर कृषि और व्यापार उन्नत अवस्था में, ठीक है, और क्या कह सकते हो, ये शांति प्रिय थे, है ना, तो बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, पर अब आप तुम तो पढ़े हुए हो, क्या बताने की जरूरत पड़ेगी हड़प्पा की विशेषताएं कौन, ठीक है, कांस्य की सभ्यता थी, सारी चीजें। तो सोचना है बस आप लोगों को कि इसमें हमें लिखना कैसे है, बस उतना ही खेल है, आपको पॉइंट्स लिख के उनके डिटेल्स करना है या थोड़ा सा प्रस्तावना में बॉडी बनाना है, छह पॉइंट्स लिख देना है, उसके बाद दो लाइन में निष्कर्ष और समाप्त कर देना, ठीक है, लिखना एक ही पेज है ना, अपनी स्ट्रेटेजी पहले से बना लो, आप एक पेज में खत्म करना है या डेढ़ पेज में, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि जो आ रहा है उसको डेढ़ पेज में, दो पेज में हमने पहुंचा दिया और जो नहीं आ रहा है उसको हमने एक पेज में खत्म करने की कोशिश की, तो सामने वाला भी समझेगा ना कि जो आ रहा है वो आपने लिखा और जो नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि आपने नहीं लिखा, जबकि दोनों बराबर है आपके पास, आता दोनों में था लेकिन समय के अभाव के कारण आपने ऐसा किया। तो अपनी पहले से प्लानिंग कर लो कि मुझे एक पेज में अपना उत्तर खत्म करना, और उत्तम भी यही है, एक पेज में ही आप अपना पहले दूसरे तीसरे पेपर के आंसर खत्म कर दो अगर पेपर पूरा करना है तो। चलिए इसके बाद धम्म को परिभाषित करें एवं इसकी विशेषताओं को लिखिए, धम्म की परिभाषा, तो सबसे पहले काम तो यही होगा ना आपको कि धम्म को परिभाषित करना है, धम्म की परिभाषा क्या है अशोक के अभिलेखों में, धम्म कोई बौद्ध धर्म नहीं है ये, मतलब अशोक के दिए गए आचरण संहिता या फिर नागरिकों को मतलब उनके नैतिक उत्थान के लिए बनाया गया एक ऐसा संहिता है। चलो अभी लिखोगे तो क्या लिखोगे, है क्या, देखो जो अभी आप बता रहे हो ना वो आप भी बता लोगे, आप भी बता लोगे, आप भी बता लोगे, है ना, लेकिन जो व्यवस्थित है, व्यवस्थित तरीके से बताना एक अलग होता है कि चीजें हमें याद है और हमें याद नहीं है, हमें उनके बारे में नॉलेज है, हम चीजों को समझ करके लिखने का प्रयास करते हैं और वहीं पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमसे गलतियां हो जाती हैं। कहते हैं ना कि जब आप वाक्य रचना करते हो तो उनमें जो है लयबद्धता होना बहुत जरूरी है और यही हमारे आंसर में नहीं मिलती है, है ना। तो बता सकते हो कि अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक व भौतिक उत्थान के लिए जिन आचरणों की संहिता प्रस्तुत की उसे ही अशोक के ग्रंथों में, अशोक के अभिलेखों में धम्म कहा गया, ठीक है, ठीक है, हाँ यही लिखा होगा तो गलत नहीं होगा, हाँ। तो अब यहाँ पे तुम शुरू में ऐसे शब्दों का यूज कर रहे हो कि वैसे तो जैसे तो, इसलिए मैंने उसको कैंसिल किया वहां पर, है ना, कि अगर वो लाइन नहीं भी डालते तो आपका काम और अच्छा रहता, ठीक है। तो हमने परिभाषा बता दी कि धम्म है क्या, अब धम्म की विशेषताएं, जैसे ये बौद्ध धर्म, जैसे ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था लेकिन उसने बौद्ध धर्म के एक समानांतर ये धम्म बनाया था ना, तो ऐसा क्यों बोल रहा कि वैसे तो वह बौद्ध, अरे भाई था ही तो वो,
वैसे तो वो पहले तो बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था ना, वो पहले शैव धर्म को मानने वाला था। इस बात की जानकारी हमें बाणभट्ट के हरचरित से मिलती है कि वो पहले बहुत क्रूर था अशोक, और वो शैव धर्म को मानने वाला था, लेकिन कलिंग युद्ध के उपरांत और इसके बाद उसने मोगली बुद्धिज्म के उद्देश्य को देखा सुना, और तब जाकर उसने उपगुप्त से जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, और बाद में जाकर के उसने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए बहुत सारे काम किए, है ना। तो सबसे पहले इस आंसर में आपको अशोक के धम्म की डिफिनेशन लिखना है, और उसके बाद उसकी विशेषताओं का, धम्म की विशेषताओं का वर्णन करना है। तो एक लाइन हमेशा याद रख लो कि जो लाइन है अपासीन में बहु कया है, दया डाले सच सोचे साधवे माधवे, ये लाइन बहुत इंप्रेसिव है अशोक के धम्म को समझाने के लिए, उसकी विशेषताओं को बताने के लिए, क्योंकि ये लाइन अगर याद है तो आपको वो 7-8 बिंदु याद नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है, याद है, याद है, याद है, नहीं याद, याद है, क्या है लाइन वो, अपा के में बहु कल्याण है, दया दान है, सचे सोचे माधवे साधवे चा, चा, ये लाइन, और यही लाइन जो है अशोक के धम्म की विशेषताओं का भी उल्लेख करती है। जैसे बहु कयाने है, बहु कयाने का मतलब है अत्यधिक कल्याण करना, दया जीवों पर, वस्तुओं पर, माधवों पर क्या करना, दया करना, हमेशा सत्य बोलना, ठीक है। अब साधवे माधवे, साधवे का मतलब है कि साधुता लाना अपने व्यवहार में, जैसे साधु होते हैं, है ना। फिर माधवे का मतलब है मृदुता लाना अपनी वाणी में, है ना, गुस्सा ना करना। तो यही सब विशेषताएं हैं अशोक के धम्म की, ठीक है। तो ये लाइन जो है इसको आप याद कर लें, और जहां कहीं भी आए तो इसको आप चिपका लें, ठीक है, क्योंकि इसी से सारी विशेषताएं निकल कर आ जाती है। इसके बाद है चोल ग्राम शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले आप बताओगे कि जो ग्रामीण सुशासन व्यवस्था थी, ये दक्षिण में जितने भी राजवंश थे, चाहे वो पल्लव हो, चाहे वो चेर हो, चाहे वो चोल हो, हमें सभी में दिखती है, लेकिन जो इसका उत्तम स्वरूप है वो हमें चोलों के काल में दिखलाई पड़ता है, और इसकी जो जानकारी हमें वो उत्तर मेरु अभिलेख से प्राप्त होती है। ये आपने इंट्रो बता दिया, अब वाकई में थी क्या, वो आपने बता दिया कि दो प्रकार की सभाएं होती थी, एक थी आपकी उर और दूसरी होती है सभा और महासभा। अब उर क्या थी वो आपने बता दिया कि यह जनसाधारण व्यक्तियों की सभा थी, इसमें कोई भी भाग ले सकता था, ठीक है, गांव के। और जो दूसरी सभा या महासभा थी वो ब्राह्मणों को, जो ब्राह्मणों की सभा थी मेनली, है ना, जो ब्राह्मणों को भूमि अलग से दान दिया जाता था, और उन फिर ब्राह्मणों को मिला करके जो सभा या महासभा बनती थी उसमें वो ब्राह्मण भाग लेते थे, ठीक है। अब आपने बताया कि ये जो चीजें थी इनमें बहुत सारी समितियों का वर्णन भी मिलता है आपको, है ना, कि अलग अलग समितियों के द्वारा अलग अलग कार्यों का वहां पर निर्धारण भी किया जाता था। 2-4 समितियों के नाम याद रख लो, इन समितियों को जो है वरियम कहा जाता था। तो जैसे टुट वरियम है, एरी वरियम है, ये क्या थी, ये है तो समितियां, लेकिन इनका कुछ ना कुछ काम होगा ना, इन कामों को आप थोड़ा बहुत देख लो आप, है ना, और फिर इसके बाद इनके अन्य और कौन कौन से काम थे इसके बारे में, तो ये एक थोड़ा सा बॉडी बन जाएगी और खत्म हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जो अभी भी हो रहे हैं, बस थोड़ा बहुत समझ की बात है, बस हो गया कि आप चीजों को कैसे एनालाइज करते हैं। अब प्रथम विश्वयुद्ध के कारणों को लिखिए। तो प्रथम विश्वयुद्ध की थोड़ा सा हमने पृष्ठभूमि बता दी, है ना, कि ये क्या था, क्यों हुआ, कब से कब तक हुआ, ये भी बता सकते हो। इसके बाद कारण आप 8-9-10 गिना सकते हो, जितने भी गिनाना हो, डिटेलिंग एक भी कारण की नहीं करनी, और कारण को बताने के बाद पॉइंट्स में उसका आप निष्कर्ष दे दो, ठीक है, और बस उत्तर आपका खत्म हो जाएगा। अब कारण कौन कौन से थे ये भी मैं आपको बताऊं, बताने योग्य बातें तो नहीं है ये, आप लोगों की अवहेलना होगी, है ना, है ना, ठीक है। तो विद्वानों के संरक्षण के रूप में कनिष्ठ का मूल्यांकन, ये जो शब्द है ना आखिरी में लगते हैं, टिप्पणी कीजिए, वर्णन कीजिए या मूल्यांकन कीजिए, हम क्या है कि हमने पढ़ा सिर्फ विद्वानों के संरक्षण के रूप में कनिष्ठ का मूल्यांकन, तो बस विद्वान और कनिष्ठ दो ही चीजें हम समझते हैं, और बस उसी में हमने लिखना चालू कर देते हैं, जबकि जो अंतिम शब्द हो जो होता है इम्पोर्टेंट उसका होता है कि वो वर्णन करने को बोल रहा है या टिप्पणी लिखने को बोल रहा है या मूल्यांकन या समालोचनात्मक, अभी आपने उत्तर लिखा हुआ है। तो
पूछ क्या रहा है उस हिसाब से आपको अपनी आंसर की बॉडी बनानी है ना, ठीक है ना। इन शब्दों पर भी बहुत ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पर मूल्यांकन पूछ रहा है। तो कनिष्क, अब कनिष्क को आप जानते हो, बता सकते हो उसके बैकग्राउंड के बारे में, है ना, कि ये कुषाण शासक है या विदेशी आक्रांता है जो कि मौर्योत्तर काल में भारत पर आकर के कुषाण वंश की स्थापना करते हैं और उस वंश का एक प्रतापी शासक है आपका कनिष्क, ठीक है ना। अब इसके बाद अब विद्वानों के संरक्षण, तो आप बताओगे कि वाकई में जो विद्वान संरक्षित किए गए कनिष्क के द्वारा वो थे कौन कौन से, उनके नाम आप जैसे वसुमित्र है आपका, अशोक घोष है, पार्शु है, चरक है, नागार्जुन है, ये सारे विद्वानों को आप वहां पर बता सकते हो, ठीक है। और उनके द्वारा जो जो रचनाएं लिखी गई हैं उनका वर्णन भी आप वहां पर कर सकते हैं। अब मूल्यांकन का मतलब क्या है, सीमाएं लिखना, जो कुछ कमियां रही हैं मेरी सीमाओं को लिखने के साथ मूल्यांकन है। कैसे, जैसे इस तरह की हमारी जो कोई शासक है तो अगर उसकी कुछ कमियां हैं तो ऐसे विजेता के रूप में उसने उत्तर भारत में शासन किया, तुम्हारी जगह दक्षिण भारत में नहीं किया तो उसकी कुछ सीमाएं थी जो दक्षिण भारत में शासन नहीं कर सका, या उसने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया लेकिन शिक्षा में उसने सभी वर्गों को मतलब कॉम्बिनेशन नहीं बैठा सका, सभी वर्गों का विकास नहीं कर सका, तो जो कमियां रह गई जो वर्ग छोड़ गया उसकी सीमाएं हैं, तो फिर दोनों बीच में जो बैलेंस है तो वो सकारात्मक रहेगा मूल्यांकन, लेकिन कमियां तो उल्लेख करनी पड़ेगी सर। हाँ बिल्कुल। तो अब आपको ये भी पता कि जो कनिष्क है वो उसने खुद बौद्ध मत को अपनाया था, चाहे वो वसुमित्र हो चाहे वो आपके अशोक घोष हो, वो सारे के सारे बौद्ध विद्वान ही थे। तो सर ऐसा एक हो सकता है जैसे बौद्ध धर्म को एक विशेष संरक्षण, हाँ बिल्कुल ऐसा कर सकते हो, और अन्य धर्मों की उपेक्षा के मूल्यांकन कर सकते हो उसका, ठीक है ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये 6 मार्कर जो क्वेश्चन है ये खत्म हो गया। अब बात करते हैं 300 शब्दों में, पहला है आपका गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है क्यों। तो आप पहले इंट्रो दोगे और इंट्रो थोड़ा सा अपने पता है, अच्छी बात यह है कि हम ना प्रयास नहीं करते, जबकि यूपीएससी वाले जो बच्चे होते हैं वो पता है क्या बोलते हैं कि मैंने जब मेंस की तैयारी की तो मैंने 800 प्रश्नों को हल किया, ऐसा बोलते हैं वो नहीं बोलते कि मैंने इतिहास को 10 बार पढ़ा, पॉलिटी को 5 बार पढ़ा, वो बोलते हैं कि मैंने पूरे सिलेबस में से 800 क्वेश्चन निकाले और उन्हीं 800 क्वेश्चन को मैंने लिखा और उन्हीं को मैंने पढ़ा। तो इतिहास में आप भी ऐसा कर सकते हो, किसी भी विषय में आप कर सकते हो, है ना। हमने अपनी जो स्कूली शिक्षा में हमने किया क्या, हमने प्रश्नों को पढ़ करके उनका उत्तर बनाया ना, और हम यहाँ पर सिर्फ उत्तर पढ़ते हैं, इस उत्तर के संबंध में कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं हमने ये कभी ना तो हमें बताया गया ना ही हम सोचते हैं, है ना। हमारे पास सिर्फ है हर्ष के बारे में, तो बस एक 4-5 पेज हमने लिख लिया, अब हर्ष से संबंधित जितने क्वेश्चन बनेंगे तो उन्हीं पेजों से, लेकिन कौन से क्वेश्चंस में क्या लिखना है ये इम्पोर्टेंट है। तो इंट्रो इसका क्या बनाओगे आप, गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, और इंट्रो 15 मार्कर क्वेश्चन में बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब यहाँ सभी क्षेत्रों में उन्नति हुई थी। हाँ ये है कि देखो आप एक तो ऐसी है कि चीजें की आपको चीजें बनती हैं, आपने बनाया है आपने याद किया है, और दूसरी बात नहीं भी किया है तो कैसे इंस्टेंट आप बना सकते हो। गुप्त काल है, गुप्त काल के पहले कौन सा काल था, मौर्य काल या मौर्य काल की बात था उत्तर काल, लेकिन हम मौर्य काल, तो आप बता सकते हो कि मौर्य काल की अवनति या मौर्य काल की समाप्ति के उपरांत गुप्तोत्तर काल एक भारतीय प्राचीन इतिहास का ऐसा काल था जहां पर भारतीय संस्कृति के अनेक क्षेत्रों पर प्रगति हुई, और इसी प्रगति को देखते हुए प्राचीन इतिहासकारों ने इस काल को स्वर्ण युग का नाम दिया। बस इतना लिखोगे 4-5 लाइन अपने आप खत्म हो जाएगी, आपने अच्छा बता दिया। अब इसके बाद क्यों कहा जाता है उसके रीजन आप दो, तो उसको बारे में आप बताओगे कि यह एक राजनीतिक एकता का काल था, ठीक है। आप बताओगे कि यहाँ पर प्रभावी या सम्राट हुए, उन सम्राटों के नाम उनके उल्लेख जो जो काम किए उन्होंने, ठीक है ना। सांस्कृतिक विविधता का काल था ये, कला स्थापत्य के विकास का काल था, साहित्यिक पुनरुत्थान का काल था ये। गुप्त काल ही वो ऐसा काल है ना जहाँ पर आपके वैदिक साहित्य आकर के समाप्त होते हैं, मतलब उनका अंतिम जो संकलन होता है वो गुप्त काल में ही होता है, ठीक है। तो हर क्षेत्र के बारे में,
अब एक लड़की ने लिखा था कि वो सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में उत्थान, तो ये तो कॉमन है ना। आपको तो ऐसे शब्दों का चयन करना है जो दूसरों से आपको अलग करे, आपको तो बताना वही है ना, तो थोड़ा सा इस पर काम करें, है ना। जैसे प्रतापी राजा वंश था, विदेशी सत्ता को समाप्त कर दी थी, शकों भरा था, पुराणों भरा था, वैज्ञानिक खोजें जिस के लिए स्वर्ण युग कहा जाता है, हाँ, और कला के क्षेत्र में मंदिर निर्माण वगैरह, हाँ, शांति का काल भी कहा जाता है। बिल्कुल सहिष्णुता, जैसे लिखते हो ये सहिष्णुता बहुत अच्छा शब्द है ना, सहिष्णुता का काल है ना, कि यहाँ पर भले ही जो गुप्त काल, गुप्त सम्राट थे वो भागवत धर्म को मानने वाले थे, अभी तो उन्होंने बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या वैदिक धर्म को भी प्रोत्साहन दिया, बस हो गया, ठीक है। तो ऐसा कर लोगे आप, है ना, पहले इंट्रो बनाना है और अनिवार्य है, भले समय की कितनी भी कमी हो, और इसके बाद बॉडी बना करके उनका यहाँ पर उल्लेख करना है, क्योंकि 300 शब्दों में है, और उसके बाद आपका निष्कर्ष, ठीक है। फिर अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या तरीके अपनाए, विस्तार से व्याख्या कीजिए। अब पूछ रहा है अशोक ने बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए, तो प्रस्तावना क्या बनेगी यहाँ पर, बौद्ध धर्म का माना था तथा दीक्षित दीक्षा लेने के बाद इन्होंने हर क्षेत्र में बौद्ध धर्म का मतलब प्रचार प्रसार किया था। अब ये मान के चलो कि अगर ये 300 शब्दों का क्वेश्चन है, तो आप इसमें आराम से 50 शब्द अपना इंट्रो अपनी बॉडी बनाने में ले सकते हो, ठीक है, और लास्ट के 25-30 शब्द आप निष्कर्ष, बचे आपके 200 शब्द तो वहाँ पे बॉडी लिखोगे। हमें प्रस्तावना भी छोटी सी नहीं लिखनी, जितना हम 6 मार्कर में लिखते हैं उससे ज़्यादा अच्छी रहेगी और ज्यादा बड़ी होगी, ज्यादा शब्दों वाली होगी, ठीक है। तो कम से कम 50-60 शब्दों में आप दो पैरे में बनाओ ना, एक पैरे में प्रस्तावना बना दिया, दूसरे पैरे में हमने अशोक के बारे में पूछा तो हमने अशोक की पृष्ठभूमि को बता दिया, जैसे बात कर लो कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया वगैरह वगैरह, है ना। तो बात कर सकते हो कि अशोक जो है प्रारंभ में बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन उपगुप्त या कलिंग युद्ध के पश्चात उसका हृदय परिवर्तन हुआ, और उसने परिवर्तन, हृदय परिवर्तन होने के उपरांत अपने राज्य के सभी संसाधनों को नियोजित कर दिया बौद्ध धर्म के विकास विकास में, ठीक है। अब इसके बाद कौन कौन से काम किए वो बता दो आप, लेकिन यहाँ पर भी पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे कि वाकई में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, और उनके फैक्ट भी याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आप 300 शब्दों का उत्तर लिख रहे हो, पॉइंट्स में बस काम नहीं चलेगा। जैसे आपने लिख दिया कि धम्म को व्याख्यायित किया, उसकी व्याख्या की कि धम्म क्या है, दूसरा बताया आपने कि राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति की, तो वो राजकीय पदाधिकारी थे कौन कौन, उनके नाम भी लिखना है आपको, ठीक है, कि रज्जुक हो गया, प्रादेशिक हो गया, युक्त नामक राजकीय अधिकारियों की नियुक्ति करता है अशोक स्पेशली बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। फिर धम्म यात्रा आयोजित करवाता है, वो खुद धम्म यात्रा करता है, ठीक है, कब करता है ये भी आपको याद होना चाहिए, कहाँ करता है ये भी याद होना चाहिए, ठीक है, कि बोध गया में अपने शासन काल के 10वें वर्ष और 20वें वर्ष वो लुम्बिनी की यात्रा करता है, और यही यात्राएं उसकी जो है वो धम्म यात्रा कहलाती है। इसके बाद बात करोगे धम्म महामात्मों की नियुक्ति करता है, क्यों करता है ये थोड़ा सा बस की पॉइंट जान लो, है ना, कि विविध धार्मिक संप्रदायों के मध्य द्वेष को समाप्त करने के लिए इसने धम्म महामात्मों की नियुक्ति की। इसके बाद फिर तो बौद्ध संगीति है, वो आप देख सकते हो, और एक पॉइंट है जो शब्द में कॉमन मिलता है आपको, कि विदेशों में प्रचारकों को भेजा और बस अपनी पुत्री और पुत्र को ही भेजता है और किसी को वो भेजता ही नहीं है, है ना, नहीं भेजता। तो यही तो है अंतर, कि सारी कॉपी में जितने भी ऑनलाइन है जितने भी ऑफलाइन है, बस राहुल और संघमित्रा का ही नाम मिलता है, उसके बाद तो हमने जाना ही नहीं। तो उसके बाद भी कुछ लोग तो होंगे ना जिनको भेजा है, जैसे आप महामध्यांतिक का नाम जानते होंगे, महारक्षित हैं जिनको वो यमन प्रदेश और गांधार और तक्षशिला में भेजता है वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो ऐसे थोड़ा सा ना अपने ज्ञान को थोड़ा सा अगले स्टेज पे लेके जाना है, हालांकि अब समय नहीं है मेरे पास, लेकिन जितना है उतने में ही अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ऐसे डिटेलिंग कर दिया और इसके बाद आपने उसको निष्कर्ष बना दिया। फिर औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसके परिणामों पर प्रकाश डालिए। तो मोस्टली लोगों ने सिर्फ क्या किया है, औद्योगिक क्रांति क्या है इसकी परिभाषा बता दी, और परिभाषा कितने लाइन में आएगा,
पांच लाइन छह लाइन बस, इससे ज्यादा परिभाषा तो हम लिख ही नहीं सकते। और ये 300 शब्दों का क्वेश्चन है आपको, तो करना क्या है इसमें, मतलब परिभाषा बता के सीधा परिणाम चालू कर दिया। तो पहले थोड़ा सा पृष्ठभूमि बताओ, उसके बाद उसकी परिभाषा बताओ, और कम से कम एक ऐसा इतिहासकार का नाम ले लो जिन्होंने औद्योगिक क्रांति को परिभाषित किया हो, और उनके कथन अनुसार उसको आपको परिभाषित करना है अगर 300 शब्दों में आता है, ठीक है। चाहे वो ए ब्रिनी महोदय हो, उन्होंने क्या बोला है औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में, ठीक है। तो किसी न किसी एक इतिहासकार को आप पकड़ लो, ठीक है। इसके बाद परिणाम तो आपको पता है, सामाजिक क्षेत्र में क्या सकारात्मक परिणाम थे, क्या नकारात्मक थे, आर्थिक क्षेत्र में क्या सकारात्मक क्या नकारात्मक, और राजनीतिक क्षेत्रों में भी। तो ऐसे करके उनको दो भागों में आप बांट करके लिख सकते हैं, ठीक है। मैं अब क्या लिखना है ये नहीं बता रहा हूँ, किस प्रकार से लिखना है ये मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि मैं आपको बताऊं कि औद्योगिक क्रांति की परिभाषा क्या है, है ना, ठीक है। अब टंट्या भील, अब टंट्या भील के बारे में तो सबसे पहले जाने कि हम ये थे कौन, कहाँ से संबंधित है, है ना। तो आपको पता है कि ये मध्य प्रदेश से ही संबंधित है, आदिवासी ये नेता है, इनको क्या कहा जाता है, रॉबिन हुड भी कहा जाता है आदिवासियों को, है ना। तो ये जानकारी है आपके पास, लेकिन अब इनको व्यवस्थित करना है सही तरीके से। जन्म याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम जब हम आदिवासियों के बारे में पढ़ते हैं, अगर मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ते हो आप, तो उसमें प्रमुख महिलाओं के बारे में भी पढ़ते हो, तो दुर्गावती, अवंती बाई, लक्ष्मी बाई का नाम और जन्म दिवस तो याद होना ही चाहिए। पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, वो झलकारी बाई के बारे में नहीं पूछेगा। अगर आदिवासियों के बारे में आप पढ़ते हो तो टंट्या भील के बारे में और भीमा नायक के बारे में, इनके बारे में जानना अति आवश्यक है कि इनकी आप डेट ऑफ बर्थ और जन्म स्थान की याद रखें। टंट्या भील उन्हीं में से एक है। तो टंट्या भील आपको पता है कि इनका जन्म जो है 1842 में हुआ था, पश्चिमी निमाड़ के बिरी नामक ग्राम में, ठीक है। अब आप बात कर सकते हो कि इन्हें जो है भीलों का रॉबिनहुड या आदिवासियों का रॉबिनहुड भी कहा जाता है। और इन्होंने काम क्या किया था, 1842 में पैदा हुए और सोचो 1857, ठीक है, तो 1857 की क्रांति में इनका योगदान रहा होगा, है ना। फिर ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, 42 में पैदा हुए और 1857 की क्रांति और 1888 में इनको फांसी दे दी गई। तो 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों को नाको चने चबाए, या अंग्रेजों को जो भी लिखना हो आप उसको लिख सकते हो। तो जन्म स्थान उनका, उनको क्या कहा जाता है, रॉबिनहुड, और उनका योगदान, ठीक है, कि 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, या भीलों को संगठित करके अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, ठीक है। और ये भी पता कि इन्होंने ही शिवाजी छापा मार गोरिल्ला, और ये भी गोरिल्ला पद्धति को युद्ध नीति में अपना स्थान उन्होंने दिया था। फिर ओरछा के बारे में, ओरछा के बारे में हम सब जानते हैं कि ये ठीक है बुंदेलों की राजधानी है, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा ये बताएं कि ये है कहाँ पर, क्योंकि अब परिवर्तन हो गया है ना, पहले टीकमगढ़ पढ़ते थे, अब हम निवाड़ी पढ़ते हैं ना। तो बता सकते हो कि मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम जिला निवाड़ी में स्थित एक ओरछा है क्या, ओरछा है क्या, किस रूप में हम उसको जानते हैं, ऐतिहासिक स्थल। ये जो नाम है ना, ये भारी भरकम होते हैं जो थोड़ा सा प्रभावी बनाते हैं आपके उत्तर को। लिख सकते हो ना कि ओरछा प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, जो कितना अच्छा लग रहा है ना। अगर हम सिर्फ लिखे कि यह एक जो भी है निवाड़ी में स्थित एक जिला है, एक ग्राम है, जो भी, तो ऐसे शब्दों का थोड़ा सा ना चयन करो, है ना, कि ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है ओरछा। फिर और आगे बता दो कि यह बुंदेलों की राजधानी रहा है, बुंदेला शासकों की, और बताना है तो बता सकते हो कि इसको स्थापित किसने किया, तो वीर सिंह देव बुंदेला का नाम आता है, ठीक है ना। उन्होंने ओरछा नगर की ही स्थापना करी थी, और इसके बाद वहां पर जो प्रमुख प्रदर्शनी स्थल है उनके बारे में नाम बता सकते हो, है ना, कि जैसे राजा राम मंदिर है, जहांगीरी महल है, इत्यादि इत्यादि, रामायण संग्रहालय, हाँ बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद है आपका तानसेन। तानसेन के बारे में हम मोस्टली क्या जानते हैं कि ये जो है अकबर के नौरत्नों में से एक थे,
लेकिन जब हम आपका आंसर लिखेंगे तानसेन के बारे में तो आप बताओगे इनका वास्तविक नाम क्या है, रामधनु पांडे। यहाँ पर ये नहीं बताना कि वो रीवा के महाराज, रीवा महाराज जो थे वो उनके अधीन थे, है ना, ऐसा, क्योंकि आपको वो ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें समझ में नहीं आता। लेकिन उनका वास्तविक नाम जो है वो रामधनु पांडे मिलता है। ये अकबर के नौ रत्नों में से एक थे और इन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत का ज्ञाता माना जाता है। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट, और इन्होंने जो वो है ना राग वगैरह वो भी आप यहाँ पर लिखोगे, जैसे कि राग भैरवी हो गया या राग जो भी है भोपाली मल्लारी पर, हाँ ऐसा, तो इनके बारे में भी आपको वहां पर लिखना है। ठीक है, इनका जन्म स्थान, इनका सॉरी जन्म, तो अब हम अपने उत्तर में क्या लिखते हैं कि इनकी, इनका जन्म ग्वालियर में हुआ, इनकी समाधि भी ग्वालियर में है, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, है ना। महत्वपूर्ण रामधनु पांडे अकबर के नवरत्नों में से एक, इन्होंने राग दरबारी राग जो भी है ये किया और भारतीय शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता। इसके बाद है आपका घोटुल प्रथा, नहीं पातालकोट। अब पातालकोट के बारे में हम सिर्फ इतना जानते हैं कि यह जो है छिंदवाड़ा में है और यहाँ पर क्या है भारिया जनजाति का संकेंद्रण है। लेकिन यहाँ पर आपसे भारिया जनजाति के बारे में नहीं पूछा है कि आप आगे बताओ कि भारिया जनजाति मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजाति है। अगर भारिया पूछा होता तब तो बताते हैं, आपसे पूछा क्या है पातालकोट पूछा है, तो आपको पातालकोट के बारे में बताना है, तो बता सकते हो कि यह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। पातालकोट की विशेषता क्या है आपको पता है, यह एक प्राकृतिक घाटी है जो लगभग 300 फुट गहरी है और इसी 300 फुट गहरी घाटी में ही कौन लोग निवास करते हैं, भारिया जनजाति के लोग जो आधुनिकता से कोसों दूर है। ठीक है, तो पातालकोट छिंदवाड़ा जिले में स्थित ये एक प्राकृतिक घाटी है जो लगभग 300 फीट गहरी है और यहाँ पर भारिया जनजाति का निवास स्थान है। इसके बाद घोटुल प्रथा, घोटुल हम जानते हैं क्या है, किस जनजाति में प्रचलित है, ये होती क्या है, क्या होती है घोटुल, विवाह पद्धति क्या है। अच्छा, यह प्रथा कब कर की जाती है घोटुल, विवाह हो जाने के बाद या विवाह से पूर्व, पूर्व। आपको पता है कुछ नहीं, बस इतना जानो कि घोटुल जो है ये गोंड जनजाति में प्रचलित है। घोटुल मतलब होता है एक निवास स्थान, ये एक घर है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि विवाह पूर्व युवक और युवती को मुझे आप पसंद हो तो हम क्या करेंगे, इस घर में एक रात के लिए रुकेंगे, अगर हमारे मन आपस में मिलते हैं तो फिर हम जाकर के बाद में क्या कर लेंगे, शादी करेंगे, नहीं मिलते हैं तो दोनों अलग हो जाएंगे। अब जो उराव है, जो ये इनकी उपजातियां के रूप में पढ़ते हैं, तो प्रमुख रूप से ही जो है ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूछा है, तो आपको गोंड जनजाति का उल्लेख यहाँ पर करना है। ठीक है, कि गोंड, अब घोटुल प्रथा क्या हुआ, समझ में आई बात कि ये घोटुल एक निवास स्थान है जहां पर भील या सॉरी गोंड युवक और युवतियों को विवाह से पूर्व वहां पर निवास कराया जाता है। ठीक है, और इसके बाद वो शादी के बंधन में जो भी है बनना हो बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। भीमबेटका के बारे में ये तो हमें पता है, क्या बताओगे भीमबेटका के बारे में, ये सबको पता है, ये रायसेन में है, सबको पता है कि वाकड़कर ने खोजा, सबको पता है कि 2003 में हाँ विश्व विरासत सूची में शामिल। और क्या सोचना है आपको, सैल चित्र, और ये किस काल का है, तो लिख सकते हो कि प्रागैतिहासिक काल है ना, कि प्रागैतिहासिक काल का पूरा स्थल जो सैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, या ऐसा लिख सकते हो कि रायसेन स्थित है ना, रायसेन स्थित प्रागैतिहासिक काल का पूरा स्थल जो सैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है वाकलकर ने खोजा और 2003 में विश्व विरासत स्थल घोषित। देखो क्या है कि जब हम 100 शब्दों में लिखते हैं तो हमें 3 ही नंबर मिलते हैं, कितना अच्छा लिखोगे 3.5 मिल जाएंगे, लेकिन यहां पर कम लिखने पर 3 नंबर मिल रहा है, और वो उम्मीद नहीं करता ना कि आप फॉर्मेलिटी करो,
अभी हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसे अगला है परमार वंश, बौद्ध लिखते कैसे हैं, वो परमार वंश संस्थापक कृष्णराज, प्रमुख राजा भोज, राजा भोज की कृतियां, तो बस मतलब फॉर्मेलिटी जैसे टाइप से कर रहे हैं, थोड़ा प्रभावी बनाओ ना। परमार वंश के बारे में पूछा है, क्या बताओगे परमार वंश है क्या? ये तो सबको पता है कि कौन है संस्थापक, राजा भोज इसके प्रसिद्ध शासक हुए, और क्या बताओगे कि आपका उत्तर अलग हो? पश्चिमी मध्य प्रदेश क्षेत्र किस समय का था, 900 के आसपास राजपूतों के थे सर, किसके थे ये सामंत? तो देख सकते हो ना कि राजपूत कालीन एक प्रमुख वंश है ना, जिसका संस्थापक फिर आप बता दो कृष्णराज था। अब इसके जो प्रमुख शासक हुए या इस वंश में, वो सिर्फ क्या राजा भोज ही हैं? पढ़ते जरूर हैं हम राजा भोज, लेकिन सिर्फ एक का नाम छोड़, एक लिख कर आप छोड़ नहीं सकते। तो अगर दो तीन शासक के नाम याद है आपको, दो तीन का नाम वहां पर, प्रतापी वंश की प्रतापी राजा भोज थी, ठीक है ठीक है, या इस वंश के शासकों में फिर आप मुंज का नाम ले सकते हो, सिंधुराज कल के पिताजी का ले लो, सिंधुराज का नाम है, फिर राजा भोज है, ठीक है ना। और इस वंश की अपनी राजधानी कहाँ बनाई? धार में। और यहाँ पर फिर आपको राजा भोज के कार्य नहीं बताने हैं ना, कि उन्होंने धारा नगरी और भोजताल और भोजपुर बताया है, क्योंकि वो परमार वंश पूछ रहा है, तो वंश के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद है जहाज महल, जहाज महल के बारे में, तो सबसे पहले तो बात करोगे कि ये है कहाँ पर, है ना, मध्य प्रदेश के, या मध्य प्रदेश नहीं बताना है, हाँ मांडू बता सकते हो कि मांडू में स्थित एक जहाज नुमा आकृति का महल, ये परमार राजा मुंज ने बनाया नहीं बनाया, उन्होंने एक जहाज महल बनाया, और इसके अगल बगल जो दो तालाब उनका कपूर और मुंज नाम रखा था, नहीं मुंज मुंज तालाब का निर्माण जरूर इन्होंने करवाया जो धार में है, लेकिन ये जो जहाज, इस बार क्वेश्चन भी आया तुम्हें पता है, प्री में आया था क्वेश्चन जहाज महल के बारे में, क्वेश्चन का आंसर जो है वो, चूंकि आपको जब आप इतिहास पढ़ोगे ना भारत का, मध्य प्रदेश का, तो एक एक वंश है दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश, और एक वंश है जो मध्य प्रदेश में स्थानीय स्तर पर रहा, जिसका नाम है खिजली वंश। खिजली वंश का एक एक व्यक्ति था जिसका नाम मिलता है घियाउद्दीन, तो घियाउद्दीन ने बनवाया था कौन सा महल, जहाज महल मांडू में, ठीक है, ये भी एक मुस्लिम शासक था। तो अगर नहीं है डाउट है तो चीजों को नहीं लिखना है हमें, ठीक है। तो बता सकते हो कि मांडू स्थित जहाजनुमा आकृति का एक महल, ठीक है, इसके दोनों किनारों पर दो प्राकृतिक तालाब हैं, एक मुंज है और दूसरा कारपूर है। दूसरा क्या है? कारपूर। ये जहांगीर की पत्नी ने जहांगीर के लिए किया था ऐसा, ठीक है। जहांगीर की पत्नी सही है, ठीक है। गोटमार मेला, गोटमार मेला, गोटमार के संबंध में, अब छिंदवाड़ा में लगता है ये तो हम पढ़ते हैं प्रीलिम्स के लिए भी, लेकिन ये फेमस क्यों, ये होता क्यों है, ये क्यों मनाया जाता है, उसके संबंध में एक कहानी प्रचलित है ना, कि वहां पर एक जाम नदी, जाम नदी है, जाम नदी के किनारे दो गांव हैं, ठीक है ना। दो गांव में क्या हुआ कि एक बार एक गांव की लड़की को दूसरे गांव का लड़का जो है भगाकर ले जा रहा था, और नदी के बीच पे ही पहुंचे, गांव वालों को पता लगा, उन्होंने पत्थर मार मार के वहीं पर उनको मार डाला, और तब से जो है यह प्रथा जो है हर वर्ष मनाई जाती है छिंदवाड़ा में जाम नदी के किनारे, जिसमें होता क्या है कि दोनों गाँव वाले आपस में एक दूसरे पर पत्थर मारते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हो कि प्रेम कथा या प्रेम कथा पर आधारित यह मेला छिंदवाड़ा जिले के जाम नदी के किनारे प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जहां पर दो गांव के लोग आपस में एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। यहाँ पर तो हिंगोट होता है, वो रॉकेट टाइप से होता है, थोड़ा वही लिख दिया, नया सब यूज किया कि वो पत्थर लिखना था, हाँ वो यहाँ इंदौर में होता है, ठीक है। इसके बाद है आपका राजा होशंग शाह। अब होशंग शाह के बारे में क्या हम जानते हैं, कि होशंग शाह ने मांडू को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन होशंग शाह थे कौन? मालवा में
पढ़ते हैं ना कि मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की, दिलावर खान ने की। तो दिलावर खान का पुत्र है आपका कौन, होशंग शाह। दिलावर खान ने धार को अपनी राजधानी बनाया जबकि इनके पुत्र होशंग शाह ने मांडू को अपनी राजधानी बनाया। तो आप ये कह सकते हैं कि होशंग शाह जो था वो दिलावर खान का पुत्र व मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था जिसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, फिर अलग बात है वो कि फिर नहीं मिल रहे हैं कोई चीज, तो हमने लिख दिया कि होशंग शाह का मकबरा मांडू में है। ठीक है, कुछ आपसे को होशंग शाह के बारे में रहा है, होशंगाबाद भी इन्हीं ने बसाया था, होशंगाबाद, हाँ, नामकरण जो हुआ है वो इन्हीं के नाम पर हुआ है। फिर कलगीतुर्रा, कलगीतुर्रा क्या है, ये एक लोक गायन शैली है जो किस अंचल में प्रचलित है, निमाड़ा अंचल में। तो लिख सकते हो, अब इसमें होता क्या है, दो पक्ष होते हैं, एक कलगी होता है दूसरा तुर्रा होता है, और ये दोनों जो है आपस में जब गायन शैली करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये लड़ रहे हैं। तो ये जो शैली है ये कहलाती है प्रतिस्पर्धात्मक गायन शैली। ठीक है, तो लिख सकते हो कि प्रतिस्पर्धात्मक गायन शैली जो जो निमाड़ अंचल में प्रचलित है, इसमें दो पक्ष होते हैं, एक कलगी और दूसरा तुर्रा। तो आपने बता भी दिया कि ये दो पक्ष होते हैं, बता दिया कि किस अंचल में होता है, और ये भी बता दिया कि यह एक प्रतिस्पर्धात्मक लोक गायन शैली है। अगर अगर ज्यादा कुछ और ज्यादा लिखना है तो इनके जो प्रमुख जो इसको गाते हैं ना उनके दो चार नाम याद कर लो बस, प्रमुख रूप से ये है। इसके बाद दोस्त मोहम्मद खान, दोस्त मोहम्मद खान के बारे में हम ये जानते हैं कि इन्होंने भोपाल राज्य की या भोपाल वंश की स्थापना की थी, और इसके बारे में कुछ पता है हमें। तो सबसे पहले तो ये जानो कि ये दोस्त मोहम्मद खान लगा हुआ है, तो खान जो है वो भारतीय तो रहे नहीं होंगे, होंगे तो कहीं ना कहीं विदेशी ही। तो ये जो थे अफगान के थे, तो लिख सकते हो कि अफगान शासक जिन्होंने कब की थी भोपाल की स्थापना, भोपाल वंश 17वीं-18वीं शताब्दी में। अगर याद है कंफर्म तो लिख सकते हो इसको, है ना, कि अफगान शासक 17वीं-18वीं शताब्दी में भोपाल वंश की स्थापना की। केशव दास के बारे में, अब केशव दास रीतिकालीन या इसी को आप कह सकते हो मध्यकालीन, है ना। तो मध्यकालीन प्रमुख कवि, जन्म जो है ओरछा में हुआ, ठीक है ना, 1555 में। ठीक है, ये किसके दरबार में है, तो लिख सकते हो अगर याद है तो कि राजा इंद्रजीत के दरबार में थे ये भी बुंदेला शासक थे। अगर नहीं याद आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने क्या क्या बता दिया कि ये एक मध्यकालीन कवि थे, इनका जन्म जो है ओरछा में हुआ, 1515 में हुआ। फिर आपने बता दिया कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है ना, तो कवि प्रिया, रसिक प्रिया, हाँ बिल्कुल, जहांगीर, जसचंद्रिका और बहुत सारी हैं, है ना, वीर सिंह देवचरित हैं, ये सारी सारी। और चूंकि इनके जो काव्य थी वो लेखन शैली बड़ी कठिन होने के कारण इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो। अब जैसे हमें तीन फैक्ट लिखना है, तो एक फैक्ट तो हमारा ये हो सकता है ना कि कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, लेकिन अगर थोड़ा सा इसको बता दिया कि चूंकि इनकी काव्य शैली कठिन होने के कारण इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, ये थोड़ा सा ज्यादा प्रभावी रहती है। फिर उदयगिरी की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं ये तो सबको पता है कि विदिशा जिले में है, है ना। थोड़ा सा और स्पेसिफाई करने के लिए बोल सकते हो कि विदिशा जिले के शोनपुरा गांव में स्थित है, और ये है कब की, किस काल की है, यहाँ से आपको मिलता क्या है, तो गुप्तकालीन गुफाएं हैं ये उदयगिरी की गुफाएं। गुप्तकाल मतलब कि तीसरी या चौथी शताब्दी, तो लिख सकते हो कि इनका जो निर्माण प्रारंभ हुआ वो तीसरी चौथी शताब्दी में या गुप्तकाल में होना प्रारंभ हुआ, जो सातवीं और आठवीं शताब्दी तक चला। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है, और यहाँ से आपको हर धर्म के, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो व हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं देखने मिलती हैं। ठीक है,
और लास्ट है आपका बंजारा या सॉरी कंगी सिल्क। कंगी सिल्क का प्रसिद्ध बंजारा जनजाति में है। अब कंगी को ये चूंकि कंगी बनाने का श्रेय भी इन्हें दिया जाता है। अब इतना ही हमें पता है, अब ज्यादा कुछ पता नहीं है। हालांकि कंगी को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करते हैं, उसमें डिजाइन वगैरह बना करके और फिर ये बेचते हैं। और अब ये बंजारा जनजाति निवास कहाँ करती है मध्य प्रदेश में, तो सीधी शहडोल के जो बेल्ट है पूर्वी क्षेत्र में, इन जिलों के नाम लिख सकते हो कि प्रमुख रूप से यहाँ पर निवास करने वाली बंजारा जनजाति के द्वारा यह शिल्प बनाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका कि भगोरिया। भगोरिया प्रणय पर्व ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीजों को। भगोरिया अब ये होता किस में है, भीलों में। प्रणय का मतलब होता है मिलन, बिल्कुल, और मिलन मतलब शादी के पूर्व का मिलन यहाँ पर होता है भील जनजाति में। तो याद रखना आपकी जो भगोरिया है वो होली जब होगी उसके 7 दिन पहले मनाया जाता है, मतलब 7 दिन पहले वो स्टार्ट होगा और 8वें दिन क्या होगी आपकी होली होती है। ये जो भगोरिया है ये 3 चरणों में मनाया जाता है। ठीक है, एक का नाम है आपका गुलालिया, दूसरे का नाम है भगोरिया और तीसरे का नाम है उजाड़िया। ठीक है, गुलालिया, भगोरिया और उजाड़िया। मैंने बोला 7 दिन चलता है, तो जो शुरू का गुलालिया है वो चलेगा 3 दिन और बाकी चलते हैं 2-2 दिन। गुलालिया 3 दिन, भगोरिया 2 दिन और उजाड़िया 2 दिन। तो गुलालिया में होता क्या है कि वही युवक और युवती आपस में जिसको पसंद करते हैं वो गुलाल लगाते हैं। अगर सामने वाले ने भी गुलाल लगा दिया सामने वाले युवक को, इसका मतलब है कि दोनों आपस में तैयार है। ठीक है, पसंद कर रहे हैं, तो जब ये फिर वो शादी कर सकते हैं। इसके बाद जो भगोरिया है, भगोरिया क्या होता है, वो हाट लगता है, मेला, तो बस उसमें खरीद फरोख्त होती है चीजों की भगोरिया में। और इसके बाद उजाड़िया का मतलब होता है अंतिम 2 दिन में जो मेला होता है वो खत्म हो जाता है, उजड़ जाता है, इसी को उजाड़िया नाम होता है कि अंतिम के 2 दिन वो समाप्ति है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 चरणों में आपको इसका वर्णन कर देना है। इसके बाद है मांडू के भवनों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर सिर्फ आपको मांडू में जो जो भी दर्शनीय पर्यटन स्थल हैं, भवन हैं, उनके बारे में आपको इनका उल्लेख करना है। ठीक है, अगर फिर वही बात है कि अगर एक का आप डिटेल करोगे तो अन्यों का भी करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मांडू की पृष्ठभूमि को आप बता दें। आपको अभी पता चला है कि मांडू जो है वो हुसनशाह है। मांडू का प्राचीनतम नाम है सादियाबाद के नाम से हम इसको जानते हैं, है ना। हुसन शाह ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। अब कौन कौन से महल हैं वो आप यहाँ पर लिख दो। हिंडोला महल है, जहाज महल है, बादल महल है, जो भी महल है जितने भी, ठीक है ना, उन सारे के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम। मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम में प्रदेश की महिलाओं की भूमिका। तो यहाँ पर सारी महिलाओं के नाम आएंगे, चाहे वो अवंती बाई हो, जलगारी बाई हो, गलक्ष्मी बाई हो, गिरधारी बाई हो, या सुभद्रा कुमारी चौहान हो, या अवंती बाई, सॉरी देवी है इनका, लेकिन नाम नहीं आएगा तो दुर्गावती का, दुर्गावती का नाम यहाँ पर आप नहीं लोगे। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि वो अकबर के समकालीन थी। ठीक है ना, तो ये वो स्वतंत्रता संग्राम में तो आएंगी नहीं, क्योंकि 1564 में ही वो डेथ हो गई थी। तो यहाँ पर बाकी आप इन सब का उल्लेख कर सकते हो। ठीक है ना, हाँ, तो वो उनको भी स्थान नहीं था। 1567 से लेके 95 तक। हाँ, और हाँ ठीक है, उनको भी नहीं लिखो क्या, उनका भी रोल जो है वो सामाजिक कार्यों में ज्यादा थी और इसमें वो पढ़ती नहीं थी दंपत में। तो लक्ष्मीबाई का हो गया, अवंती बाई का हो गया, इन दोनों की सहायिकाओं का, और सुभद्रा कुमारी चौहान का, है ना, इनका उल्लेख कर सकते हो। इन्होंने भी आपके कई सारे आंदोलनों में अग्रणी भूमिका निभाई है। इसके बाद मालवा की चित्रकला की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मालवा में कौन कौन सी चित्रकलाएं प्रचलित हैं, उनके नाम याद होने चाहिए। ठीक है, तो अगर ज्यादा कुछ नहीं आता है, 3-4 ही चित्रकला के नाम आते हैं आपको, तो आपने थोड़ा सा बता दिया कि मालवा में ये जो लोक चित्रकला है। अब लोक चित्रकला मतलब कि जो स्थानीय स्तर पर विकसित होती है,
सामान्य व्यक्तियों के द्वारा, वो आपकी लोक कला है। और ये चित्र है तो लोक चित्रकला मतलब सामान्य व्यक्तियों के द्वारा या स्थानीय स्तर पर विकसित चित्रकला, को ही हमने ये नाम दिया। और कौन कौन सी है तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे संजा है आपका, दिवासा है आपका, चित्रामण है, ठीक है ना, माया है, मांडा यहाँ का नहीं है, दोनों का वो निवाड़ अंचल में होता है। मांडा जो चित्रकला है वो निवाड़ में है ना। माया माता है, नाग पूजा है, ये सारी के सारी चित्रकला है, ठीक है। अब दो चार अगर विशेषताएं पता है तो उनका उल्लेख करना है वहां पर। जैसे जो संजा है वो कुंवारी युवतियों के द्वारा बनाया जाने वाला चित्र है, ठीक है। चित्रावण है वो चैत्र मास में बनाया जाता है, नाग पंचमी के दिन नाग भित्ति चित्र बनाया जाता है, मालवा में प्रचलित है। मेहंदी हो गया तो किसी भी पर्व में स्त्रियां मेहंदी लगाती हैं, ठीक है ना। तो ऐसे तीन चार चित्रकला के नाम लिखकर थोड़ा बहुत उनका वर्णन करके अब ये बता देना है कि किस किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो वो सारे प्राकृतिक रंग ही होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका चौक हो गया, गेरुआ हो गया, छूही हो गया, आपका चावल का जो पेस्ट है, ये रंगों का प्रयोग आपने बता दिया प्राकृतिक रंगों का। और किस किस प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं ये थोड़ा सा बता दिया आपने, है ना, कि गाय के या पशुओं के, देवी देवताओं के चित्र आदि अनेक पर्व और त्योहारों में बनाए जाते हैं, ठीक है। तो चित्र आपने, चित्रों के नाम बता दिए चित्रकला के, रंगों के भी बता दिए कौन कौन से रंग और कौन कौन से चित्र बनाए जाते हैं ये भी बता दिया आपने, ठीक है। मध्य प्रदेश से प्राप्त गुप्तकालीन अभिलेख कौन कौन से हैं? गुप्तकालीन मंदसौर अभिलेख, एरण अभिलेख, और ये सर एरण भानुगुप्त का एक ही है 510। हाँ हाँ बिल्कुल वो एक ही है। एक नावर में भी है सर, नहीं वो मंदिर है। तो मंदसौर अभिलेख, एरण अभिलेख हो गया आपका, इनसे कौन कौन सी जानकारी मिलती है ये भी आपको पता होगा। और कोई है अभिलेख? एक है आपका तुमैन अभिलेख, तुमैन, और एक है आपका सूपिया अभिलेख, सूपिया रीवा से मिला है। तुमैन ये कुमार गुप्त का है, इसका स्थान भी उल्लिखित नहीं है, स्थान कहां से मिला तुमैन अभिलेख। तो मंदसौर, तुमैन, एरण अभिलेख और सूपिया अभिलेख, ठीक है। अभी इतने में तो काम पूरा होगा नहीं ना हमारा, 100 शब्द लिखने हैं, अब इनसे जानकारी क्या मिलती है आपको। तो जो मंदसौर अभिलेख है ये किसका है? कुमार गुप्त का। इससे हमें जानकारी मिलती है कि जो मंदसौर जिले में जो रेशम बुनकर थे, रेशम बुनकरों के द्वारा मंदसौर में सूर्य मंदिर के निर्माण करवाए जाने की जानकारी मिलती है मंदसौर अभिलेख से, ठीक है, जो कुमार गुप्त का है। इसके बाद एरण अभिलेख की बात करें तो आपको पता है कि एरण अभिलेख में सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, जो मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। ये किस गुप्त शासक का है? तो भानुगुप्त का है ना, जिसमें मिलता है कि जो 510 ईस्वी में जो इनका जो एक मंत्री था गोपराज, तो गोपराज की पत्नी के सती होने का हमें पहला उल्लेख मिलता है इरण अभिलेख में, ठीक है। इसके बाद आपका तुमैन अभिलेख, तुमैन अभिलेख भी आपका कुमार गुप्त का है, और इस अभिलेख में कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बतलाया गया है, शरदकालीन सूर्य की भांति। और नेक्स्ट है आपका सूपिया अभिलेख, सूपिया अभिलेख में वर्णन मिलता है गुप्तों की वंशावली का, और सूपिया अभिलेख में ही गुप्तों की जो वंशावली है वो घटोत्कच से स्टार्ट होती है, ठीक है। वैसे तो हम मानते हैं ना कि इनका जो संस्थापक है वो श्री गुप्त है, फिर उसके बाद घटोत्कच, घटोत्कच को हम स्थान नहीं देते हैं, लेकिन सूपिया अभिलेख में ही जो गुप्तों की वंशावली है वो घटोत्कच से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये चार अभिलेख हैं जो गुप्तकालीन हैं, जो हमारे मध्य प्रदेश में प्राप्त होते हैं, ठीक है। और इन इन अभिलेखों में क्या क्या उल्लेख है ये भी पता होगा। नेक्स्ट है आपका कि जबलपुर झंडा सत्याग्रह 1923 पर प्रकाश डाली है। तो झंडा सत्याग्रह 1923 में हुआ जबलपुर में, ये हुआ क्यों था? तैयारियों के लिए उनका स्वागत हो रहा था, तो वही झंडा लगाए थे वहाँ पे, मतलब जबलपुर के डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें प्यार से कुशल दिया, उसके बाद सुंदर
पंडित सुंदर जी और एक सुभद्र कुमार चौहान। ठीक है, तो चूंकि आपको पता है कि 1921 में असहयोग आंदोलन चल रहा था और लगभग 23 की घटना है, तो वो अपने जोरों पर था। असहयोग आंदोलन जो है वापस कब लिया जाता है? 22 में, चौरा चौरी है ना, और ये घटना है 1923 की। तो क्या रिलेट कर सकते हो इससे? क्या है कि इस समय पर जो राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस है और स्थानीय स्तर पर भी कांग्रेस बहुमत में रहती थी, ठीक है ना, और इस समय पर एक नवीनतम झंडा जो है चरखा युक्त झंडे को राष्ट्रीय झंडा बनाया गया था, और इसी झंडे को जो कि जबलपुर के टाउन हॉल में ब्रिटिश झंडे को उतार करके राष्ट्रीय चरखा युक्त झंडे को वहां पर फहराया गया सुंदरलाल के द्वारा, और इसी घटना में हुआ क्या कि अंग्रेज अधिकारियों ने क्या किया, उस झंडे को उतार कर पैरों तले कुचला, और जिस कारण से यहाँ पर विद्रोह की भावना जनमानस में फूट पड़ी, ठीक है ना। अब जबलपुर से झंडा सत्याग्रह समाप्त हुआ, ये कहाँ शिफ्ट हो गया? नागपुर में, ठीक है ना। अब ये इतना विद्रोही स्वरूप ले चुका था कि अब इसका जो संचालन है वो होने लगा नागपुर से, और यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के नेता, चाहे वो सरोजिनी नायडू हो, चाहे वो वल्लभ भाई पटेल हो, इन लोगों ने जब नागपुर से झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किया और सारे जनमानस को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया, ठीक है। तो पहले जबलपुर का उल्लेख कर दोगे, और लास्ट में एक अलग से पैराग्राफ में नागपुर में राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा जो उन्होंने आंदोलन को संचालित किया उसका उल्लेख। उसके बाद खजुराहो के मंदिरों का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। हमें सारी चीजें बताइए, खजुराहो के मंदिर जो है उनका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया, कब से लेकर कब तक करवाया? 950 से लगभग 9वीं से आप बात कर सकते हो, 11वीं शताब्दी के मध्य चंदेल शासकों के द्वारा। अब फिर हमें पता है कि ये मूल रूप से 85 मंदिर थे और वर्तमान में 22 या 25 मंदिर के अवशेष ही हमें, अवशेष नहीं, मंदिर हमें मिलते हैं। ये मंदिर जो है वो तीन समूह में मिलते हैं, ठीक है ना। तो वो समूह कौन कौन से है? एक है पूर्वी समूह, एक है पश्चिमी समूह और एक है दक्षिणी समूह, ठीक है। तो पूर्वी समूह के मंदिर कौन कौन से हैं वो आपने बता दिया, पार्श्वनाथ, जितने मंदिर मिलेंगे वो आपको जैन मंदिर मिलेंगे, ठीक है ना। सारे जैन मंदिर जो हैं चंदेल वंश या शासकों ने जो बनवाया वो पूर्वी समूह में है, ठीक है। पश्चिमी समूह में फिर महत्वपूर्ण जितने भी मंदिर मिलेंगे आपको वो सारे पश्चिमी समूह के मंदिर है, चाहे वो आपका कदरिया महादेव हो, चाहे वो लक्ष्मण मंदिर हो, चाहे वो कोई भी मंदिर। इसके बाद दक्षिणी समूह के मंदिर में आपका चतुर्भुज मंदिर है, दुधादेव मंदिर है, ये महत्वपूर्ण है दक्षिणी समूह। अब जो बात समझ में ये आती है निकलकर कि हमने पढ़ा है कि खजुराहो के मंदिरों को 1986 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, तो यहाँ पर जो पश्चिमी समूह के मंदिर हैं इनको सम्मिलित किया गया है, सारे मंदिरों को यूनेस्को ने शामिल नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पर आपको इस बात का भी उल्लेख करना है कि इन तीन समूहों में पश्चिमी समूहों के भी मंदिरों को यूनेस्को ने 1986 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया, ठीक है। खजुराहो गए हो आप लोग कभी? देखे नहीं हो इन समूह के मंदिर कैसी हालत में है? यहाँ मंदिर है और वहाँ स्वर्ण लेट रहे हैं, ऐसी स्थिति है इन मंदिरों की, और ये मंदिर है तो यहाँ जाने का आपको पैसा लगता है, यहाँ मंदिरों को आप फ्री इधर कोई नहीं जाता, मतलब कंदरी महादेव मंदिर जहाँ वो नंदी बाबा बैठे हैं इधर कोई नहीं जाता, मेन उधर ही जाते हैं। तो इधर आप जाते हो उसका पैसा लगता है और वहाँ बड़ा सुंदर भी लगता है, ठीक है। तो सांची का स्तूप का उल्लेख करेगा, सांची का स्तूप अब उल्लेख करना है, इतना सब लोग जानते हैं कि यह जो है रायसेन जिले में है, इसका निर्माण अशोक ने करवाया था और यहाँ भगवान बुद्ध की बस्तियां वगैरह वगैरह। अगर 100 शब्दों में लिखना है आपको, 3 शब्द में भी आ सकता है, 30 शब्दों में और 300 शब्दों में भी आ सकता है, 100 शब्दों में भी आ सकता है, तो हमें इतनी जानकारी तो हो कि हम चीजों को लिख सके। अब बात है स्तूप की, तो आपको पता है कि स्तूप कई प्रकार के होते हैं, उन्हीं प्रकारों में एक स्तूप का प्रकार है आपका शारीरिक स्तूप, और जो सांची की स्तूप है वो शारीरिक स्तूप का ही प्रकार है, पता है। तो बता ये सकते हो इसमें कि जो सांची का स्तूप है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मौर्यकालीन स्तूप है, इसका निर्माण सर्वप्रथम अशोक ने करवाया था। इसमें 3 स्तूप मिलते हैं सांची के स्तूपों में, एक है आपका
महास्तूप और दो अन्य स्तूप मिलते हैं। महास्तूप में भगवान बुद्ध के शारीरिक के अवशेष रखे गए हैं, जैसे बाल हो गया, नाखून हो गया, इसलिए इसको शारीरिक स्तूप की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, दो अन्य स्तूपों में एक स्तूप में धम्म महामात्यो के शरीर अवशेष, जबकि दूसरे में महामोदगलायन के अवशेष, या जो कह सकते हो कि बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र, इनके अवशेष वहां पर संरक्षित किए गए। अब ये तो बात आपने कर दी तीनों स्तूपों की। अब आपने ये बताया था कि इनका निर्माण जो है वो अशोक ने करवाया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कालांतर में इनमें परिवर्तन भी हमें देखने मिलता है। जैसे इनका जो रेलिंग है वेदिका, और दूसरा है इनका जो तोरण द्वार है, जो वेदिका का निर्माण पहले अशोक ने भी करवाया था, लेकिन वो काष्ठ निर्मित थी, मतलब लकड़ी की बनी थी। इसके बाद जब शुंग आते हैं तो पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में उन लकड़ी की वेदिका को हटाकर उसकी जगह पर पाषाण वेदिका रखवाई जाती है। आज भी आप जाओगे तो जो स्तूप के चारों तरफ जो घेरा बना है उसमें वो जो पत्थर के चीजें फिट है वो सब आपकी वेदिकाओं का स्वरूप है। ठीक है, तो किसने करवाया? शुंगों के काल में हुआ, लिख सकते हो। शुंगों के काल में ही स्तूप का आकार दोगुना करवाया गया, पहले वो छोटा था, आज बहुत बड़ा करवाया गया शुंगों के काल में। और जो तोरण द्वार मिलते हैं आपको, उनका निर्माण सातवाहनों के काल में हुआ। ठीक है, और भी जानकारी बता सकते हो कि पहले महास्तूप में आपको चार तोरण द्वार मिलते हैं, दूसरे नंबर के स्तूप में आपको एक भी तोरण द्वार में नहीं मिलता। ठीक है, और तीसरे स्तूप में आपको मात्र एक तोरण द्वार देखने मिलता है। ठीक है, तो बस इतनी जानकारी बहुत है आपके पास। फिर रानी दुर्गावती तथा मुगल सेना के मध्य हुए युद्ध का वर्णन कीजिए। अब रानी दुर्गावती के बारे में थोड़ा सा बता दो कि वो कहाँ की थी, कहाँ पर उनका ब्याह हुआ। ठीक है, रानी बनकर आई, फिर उनका जो छोटा सा पुत्र था वीर नारायण, क्या नाम था, वीर नारायण है ना, कि संरक्षिका के रूप में काम कर रही थी। अब थोड़ा सा परिदृश्य अपने दिमाग में सोचो, ये कहां पर थी, गोंडवाना मंडला का क्षेत्र है आपका, और इसी के ऊपर, जो कि उस समय अब तो जिले विभाजित है ना, पहले तो बहुत बड़े बड़े क्षेत्र हुआ करते थे, कड़ा मानिकपुर का नाम सुना होगा, इलाहाबाद के नीचे है जस्ट, वहां का मुगल सूबेदार था कौन, आसफ खान। तो अकबर ने संदेशा भिजवाया आसफ खान को, जो कि वो तो दिल्ली में बैठे हैं, और कहा जाता है ये कि जो दुर्गावती थी इनके पास एक हाथी था जो सफेद रंग का था, तो उस हाथी को पाने की मंशा से मुगल बादशाह अकबर के कहने पर आसफ खान ने दुर्गावती पर आक्रमण कर दिया है ना, उसकी बात को स्वीकार किया नहीं दुर्गावती ने। तो इसी उद्देश्य से फिर दोनों के मध्य जो है 1564 में गढ़कटंगा नामक स्थान पर युद्ध होता है, जिसे गढ़कटंगा का युद्ध भी कहा जाता है। और इस युद्ध में रानी जो है वीरगति को प्राप्त हुई, और ये जो क्षेत्र था मुगल के अधीन चला गया। ठीक है, ये बात हो गई। फिर है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल का संक्षिप्त में विवरण दीजिए। ठीक है, अब कुछ लोगों ने लिखा था कि इसकी स्थापना 1985 में हुई, वो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, लेकिन एक बात और थोड़ा सा इसके पीछे अगर हम चलते हैं, तो इसका नाम पहले तो इंदिरा गांधी नहीं था, इसका नाम था सिर्फ मानव संग्रहालय। सबसे पहले स्थापित हुआ था 21 मार्च 1977 को दिल्ली में। ठीक है, 1977 में ये दिल्ली में बना, लेकिन वहां पर चूंकि जगह की कमी होने के कारण इसको कहां शिफ्ट किया गया, मध्य प्रदेश के श्यामला हिल्स में 1985 में। तब इसका नामकरण रखा गया राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ठीक है, लेकिन फिर बाद में आप आगे जाते हो तो 1993 में इसका नामकरण बदल करके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया जाता है। ठीक है, ये तो इसकी स्थापना की हिस्ट्री थी। 1977 में दिल्ली में स्थापित हुआ, 1985 में श्यामला हिल्स भोपाल में आया, यहाँ पर मानव राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहा गया, और उसके बाद 1993 में इसका पुनः नामकरण होता है इंदिरा गांधी के नाम से। अब ये है क्या, यहाँ पर है क्या, अब जैसे स्पष्ट नाम से ही मानव संग्रहालय, तो निश्चित तौर पर ये आदिम जो जाति के लोग थे, मतलब जो हमारे पूर्वज थे, एक मानव के विकास के क्रम को दर्शाया गया वहां पर बुतों के माध्यम से। बुतों का मतलब मूर्तियों आदि के निर्माण से, उनके द्वारा उस काल में कौन कौन सी चीजें प्रयोग की जाती थी उन सब
की बनावट वहां पे चीजें रखी हुई है। ठीक है, तो प्राचीन काल से लेकर के मानव किस किस प्रकार से उसका विकास हुआ, कौन कौन सी चीजें उनके द्वारा प्रयोग की जाती थी, इन सभी चीजों का एक विकास का क्रम जो है वहां पर दर्शाया जाता है। ठीक है, 200 एकड़ में फैला हुआ है ये पूरा का पूरा राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, और इतनी बड़ी भूमि जो है दिल्ली में ना होने के कारण इसको भोपाल में शिफ्ट किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका राजा भोज परमार की उपलब्धियों के आधार पर उसका मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, राजा भोज के बारे में है। तो अब आप बता सकते हो यहां पर है ना कि हाँ, परमार वंश जो राजपूत कालीन वंश था उस वंश का प्रतापी और योग्य और शासी शासक था राजा भोज। ठीक है, अब इसको बता तो दिया हमने, अब हम क्या बताएंगे राजा भोज की उपलब्धियां, उपलब्धियां है ना, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो 300 नंबर में लिखना है, आपने बता दिया थोड़ा सा इंट्रो परमार राजा भोज के बारे में कि प्रतापी साहसी हुआ, ठीक ठाक नेता थे, राजा थे। इसके बाद आपने बात ये की कि जो राजा भोज की उपलब्धियां हैं, इन उपलब्धियों की जानकारी आपको कहां से मिलती है। ठीक है, तो उपलब्धियों की जानकारी के दो स्रोत है आपके पास, एक है अभिलेखी स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। अभिलेखी स्रोत में महत्वपूर्ण है बांसवाड़ा का अभिलेख, और दूसरा महत्वपूर्ण अभिलेख है आपका बिटवा अभिलेख। ठीक है, जहां से राजा भोज की उपलब्धियों के बारे में आपको जानकारी मिलती है, और साहित्यिक स्रोतों में राजा भोज की स्वयं की साहित्य, और दूसरा है आपका जो आईनी अकबरी के लेखक अबुल फजल की जो आईनी अकबरी है, वहां से भी आपको जो है इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब ये बताने के बाद अब आप उनकी उपलब्धियों के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, अब उनकी उपलब्धियां हैं जैसे कि उन्होंने कई युद्धों को जीता। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि राजनैतिक उपलब्धि के रूप में उन्होंने पर्वती चालुक्यों को पराजित किया, लाट प्रदेश और प्रांत प्रदेश के शासकों को पराजित कर उनके क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिलाया व अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, फिर अंत में जाकर के इनकी हार भी थोड़ा सा बताना है आपको। ठीक है, क्योंकि मूल्यांकन करना है आपको, तो इन्होंने जो है जो आपके जो धनगर शासक थे चंदेल शासक, ठीक है, और एक त्रिगुट का एक निर्माण किया था चालुक्यों के साथ मिलकर, उस त्रिगुट ने फिर राजा भोज को क्या किया, अंतिम रूप से पराजित कर दिया था। ठीक है, तो ये तो उनकी युद्ध विजय और उनकी पराजय की बात, और दूसरी है उनका महत्वपूर्ण उपलब्धि, उनका उनकी साहित्यिक उपलब्धि। ठीक है ना, हमें इस बात अबुल फजल की आईने अकबरी से ये बात की जानकारी मिलती है कि राजा भोज के दरबार में 500 विद्वान निवास करते थे। ठीक है ना, और स्वयं राजा भोज ने कविराज की भी उपाधि धारण की, उन्होंने बहुत सारी साहित्य पुस्तकों का लेखन किया था, उन पुस्तकों का नाम लिख दो आप। ठीक है ना, सरस्वती, कंठाभरण है, सम्रांगण सूत्र है, विद्या विनोद है, बहुत सारे हैं। इसके बाद अब उनके स्थापत्य पर आ जाओ कि कौन कौन सी चीजों को उन्होंने बनाया, कहाँ कहाँ पर बनाया, क्या क्या बनाया। तो सरस्वती का भोजशाला मंदिर है, भोजशाला मंदिर धार में है, और यहीं पर आपको पता है एक है लाट मस्जिद, ये वो भी आपका कहाँ पर है, धार में। ठीक है ना, जिसको एक मलिक मुंगिस की मस्जिद भी है आपके धार में। तो हमेशा विवाद का विषय माना जाता है ये राजा भोज की भोजशाला, क्योंकि वहां पर एक सरस्वती की प्रतिमा भी है और वहीं पर मस्जिद भी है, तो शुक्रवार के दिन आपस में हमेशा लड़ाई होती रहती है ना, नमाज और पूजा पाठ को लेकर के हिंदू और मुस्लिम पक्षों के मध्य। तो जबरदस्ती बनाई गई सब, हिंदू मतलब मंदिर और बगल में जबरदस्ती बना था सब, वहाँ अयोध्या में वहाँ बनी थी, आप वहाँ चले जाइए मतलब मथुरा में, वहाँ यहाँ कश्मीर वहाँ भी जबरदस्ती बनी हुई, यहाँ और टीकमगढ़ में एक तो मतलब मंदिर सामने जैस मस्जिद में, छतरपुर में हनुमान मंदिर है, उसके आगे ही मस्जिद बना के रखी। तो ये बताओ जब राजा भोज थे तो उन्होंने सरस्वती मंदिर बनवाई, जब भूषण मिश्रा आया दिलावर खां है तो वो भी तो अपने पूजन के लिए कुछ ना कुछ तो बनवाएंगे, पूजा कर सके इसके लिए है ना, तो उनको अपन दोष नहीं दे सकते हैं, उन्होंने तो अपने लिए बनवाई, अच्छा हुआ कि भोजशाला बची है ना, है ना, उन्होंने तो बुद्धिन एवं जैसा काम तो नहीं किया ना। ठीक है ना, तो ये बात की उपलब्धियों अभी आपने बताया, युद्ध उनकी विजय हार बता दिया, उनकी साहित्यिक उपलब्धियां बता दिया, और उनके स्थापत्य के क्षेत्र में कौन कौन से काम किए आपने ये उनका बता दिया।
इसके बाद 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश के योगदान को लिखिए। 1857 की क्रांति, अब जब भी जितने भी आंदोलन हुए उन आंदोलनों की अगर आपको प्रस्तावना बनाना है तो थोड़ा सा उनके पहले की पृष्ठभूमि को जानना अनिवार्य है, ठीक है, कि 1857 की क्रांति हुई क्यों, है ना। तो उससे पहले आप लिख सकते हो कि जो प्लासी का युद्ध हुआ उसके बाद, प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में और हम बात कर रहे हैं 1857 में, मतलब 100 साल का टाइम पीरियड। तो इन 100 सालों में आपने देखा होगा कि जो भू राजस्व की नीतियां आई, मतलब इतनी सारी अन्यायपूर्ण अत्याचारपूर्ण नीतियां ब्रिटिश हुकूमत की रही जिसके विरोध में ये जनमानस जो है खड़ा हो गया और अंतिम रूप से 1857 की क्रांति के रूप में देखने मिलता है, ठीक है ना। इसमें आप लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति को भी शामिल कर सकते हो और विनय जली की शायद संधि को भी शामिल कर सकते हो, ठीक है ना। इन्हीं के फलस्वरूप हमें ये सारी चीजें देखने मिलती है। अब रही बात मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की शुरुआत, तो आपको पता है ये क्रांति की शुरुआत 3 जून को होती है 1857 नीमच। नीमच के बाद धीरे धीरे कहां पहुंचती है, ग्वालियर के मुरार छावनी पे पहुंचती है। वहां पर अब होगा क्या, क्योंकि अभी सैनिक विद्रोह हमने ये भी पढ़ा है कि 1857 की क्रांति का जो प्रारंभिक स्वरूप था वो सैनिक विद्रोह ही था। वहां पर मेरठ से चालू हुआ, हमारे यहाँ नीमच छावनी से चालू हुआ, जो मुरार छावनी में पहुंचा। अभी करेंगे क्या, तोड़फोड़ ही करेंगे और क्या करेंगे, है ना। रेलवे लाइन उखाड़ दिया, टेलीफोन लाइन उखाड़ दिया, जो सरकारी इमारतें थी उनमें आग लगा दी, बस यही किया और करते बढ़ रहे हैं धीरे धीरे मुरार छावनी। अब इसके बाद वो पहुंचते हैं सागर में, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात आती है कि इन जगहों से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो वो थोड़ा सा नाम आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। जैसे शेख रमजान है, शेख रमजान ने सागर से जो है तो नेतृत्व किया। इसके बाद कटनी पे आप आओगे तो वहां पर ठाकुर सरयू प्रसाद मिलते हैं आपको, फिर शंकर शाह, रघुनाथ शाह मिलेंगे आपको गोंडवाना के जबलपुर के क्षेत्र में, ठीक है ना। ये रानी दुर्गावती के वंशज थे जिनको बाद में फिर अंग्रेज उड़ा देते हैं। तो इसके बाद आप जबलपुर पहुंच गए, शंकर शाह और रघुनाथ शाह। इसके बाद आप इंदौर और धार में आगे बढ़ते हैं, तो इंदौर की बात करें तो यहाँ पे शहादत खां है, भागीरथ सिलावट है, इन्होंने इसका नेतृत्व किया। और फिर अंत में जो है तो धार छावनी में जाकर के ये क्रांति जो है यहाँ पर समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा एक क्रम बनता है हमारे मध्य प्रदेश में, सबसे पहले नीमच से, फिर मुरार, ग्वालियर, इसके बाद आप सागर, कटनी, जबलपुर, भोपाल, इंदौर और धार, ठीक है। इनके दो चार डेट याद कर लेना कि कौन सी क्रांति मध्य प्रदेश में कहां से कब शुरू हुई, ठीक है ना। इसके बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों पर प्रकाश डालिए, तो बात है ऐतिहासिक, जो इतिहास से संबंधित हो और पर्यटक स्थल भी हो, ठीक है ना। यहाँ पर हमें ना तो धार्मिक की बात करनी है ना किसी की, तो आप इतने सारे क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ था, सांची हो गया, खजुराहो हो गया, आप ग्वालियर फोर्ट का भी कर सकते हो, ओरछा भी कर सकते हैं आप, और जो रायसेन में है ना, क्या गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं, सांची हो गया, ये सारे के सारे आपके पूरे 51-52 जिलों का उल्लेख हो जाएगा, इतना बड़ा है कोई भी जिला ऐसा नहीं होगा जहाँ ऐतिहासिक महत्व कुछ ना हो, लेकिन वहाँ ऐतिहासिक पर्यटक स्थल के महत्व हमें देखना है, जहाँ पर आज हम घूमने की इच्छा होती है हमारी, महत्वपूर्ण, हाँ महत्वपूर्ण। तो बस 5-6 निकाल दो और 5-6 की अच्छी स्पीड डेली कर दो, कहाँ पर है, क्या महत्वपूर्ण साक्ष्य है वहाँ पर, क्यों हम घूमने जाते हैं वहाँ पर, क्या देखते हैं, कब क्या होगा, सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 मार्कर क्वेश्चन में आपको विशेष ध्यान देना है, वो गलत ना हो, हमारे वो जो फैक्ट हो वो ऐसे हो कि हमें 3 नंबर मिले ही मिले। थोड़ा सा खुद सोच के देखो ना कि अगर 15 × 3 45 में अगर 30 नंबर लाते हो आप मिनिमम, हर क्वेश्चन में 2 नंबर, 20 नंबर हुए। इसके बाद 6 मार्कर क्वेश्चन 10 है, 10 में 2.5 नंबर ले आओ, 6 में 2.5 नंबर, तो होते हैं ये कितने, 25 नंबर, 25 और 30 55 और 15 नंबर के क्वेश्चन है 3 45, मैं कह रहा हूँ आधे ही ले आओ, 7 ही नंबर ले आओ, 21 नंबर होते हैं, 55 और 1 56 और 20 76 और 76 × 2 कर दो 152, कि कम नंबर नहीं होते 152। जब हमने 50% से भी कम एवरेज लिया और आप कर सकते हो, मतलब पूरा
आप शब्द सीमा कम कर दो, अगर छूट रहे हैं क्वेश्चन ना 100 शब्द में मत जाओ, 300 शब्द मत लिखो, एक पेज का मतलब है 100 शब्द, जिसमें से मुझे 63 है उसमें से 40 नंबर तो छूटे ही। हाँ बिल्कुल, 110 नंबर में 63 नंबर, और कितना भी अच्छा लिखोगे आपको 5 नहीं मिलेंगे, कितना भी अच्छा लिखोगे आपको 11-12 नहीं मिलने, है ना, नंबर जो है वो आधे ही मिलेंगे। तीन नंबर में कोई नहीं, हाँ बिल्कुल तीन नंबर में मिलते हैं, 4-4.5 भी मिलते हैं, तीन में ज्यादा फोकस किया जाए, अगर 40 आ जाते हैं तो ठीक है। अपना आंसर में ना डायग्राम फ्लो चार्ट लिखने की बजाय ना इन चीजों पर फोकस आपको करो कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को मैं ऐसे ही समझा दूं, आरेख से सर्कल से कैसा भी बना कि मुझे ज्यादा लिखना ना पड़े। अब अपने पास जितने फैक्ट है सारे फैक्ट डालो उसमें, लेकिन पैराग्राफ पे नहीं लिखना कि हमने शुरू किया और अंत पेज में खत्म किया, तो उसको लिखने में टाइम बहुत लगता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं सर नहीं लिख पाते उतने पॉइंट में, तो उतने नहीं पढ़ेंगे ना, जैसे अब यही आ गया था मतलब ये आपकी ये इंग्लैंड की शांति को रखते हैं क्या क्यों कही जाती है, इसमें पॉइंट कैसे आएंगे? अब बिल्कुल नहीं बना सकते हो, तो एक पैरा दो पैरा तीन पैरा चार पैरा है ना, पेज भी भर गया, हमने 5 लाइन भी छोड़ दी, सामने वाले को पता भी नहीं लगा, ये है। ठीक है फिर नेक्स्ट पेपर में मिलते हैं, कोशिश करें ठीक है ना कि अपने जो पैटर्न है उसको आप सुधारें, जरूरी नहीं कि हमें आपको तो 3 पॉइंट्स मैक्सिमम देने हैं, 4-5 तक तो पहुंचना ही नहीं है, लेकिन वो 3 पॉइंट्स हमें ऐसे देने हैं जो सबका सार हो, ठीक है ना, और कोशिश करें अगर पॉइंट्स नहीं देना है तो हम सीधा लिख दें पैरा। बंद हो गया।